ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहग रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहग ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामीति नामने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। कल हम देख रहे थे कि अर्जुन ने युद्ध ना करने के लिए अलग अलग तर्क दिए हैं, और अर्जुन बहुत विद्वान है, हालांकि भगवान ने उनको अपनी माया शक्ति से विमोहित कर लिया है, लेकिन अर्जुन के जो भी तर्क हैं धर्मशास्त्र तर्कशास्त्र अर्थशास्त्र से हैं, क्योंकि उनको शास्त्रों का ज्ञान तो है, लेकिन परम लक्ष्य क्या है और गौण लक्ष्य क्या है उसमें उनको थोड़ा सा संशय हो रहा है। तो कल हमने देखा था कि अर्जुन करुणा दिखा रहे हैं, है ना। सबसे पहले उन्होंने करुणा दिखाया कि जैसे ही वो दूसरे पक्ष को देखते हैं, सीदंती माम गात्राणी मुखम चा परिशुष्यति, है ना, कि मेरे जो अंग हैं वो कांप रहे हैं और मुँह सूखा जा रहा है, है ना। तो इसके आगे हमने देखा था, वे पितुस्व शरीरे में रोम हर्षस्य जायते गांडीवम संतृष्टे हस्ता त्वक्चे परिदहते, कि शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो ये सब किसके किसकी निशानी है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मटेरियली अटैच्ड है, है ना, मटेरियल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ, जो इसको जीवन की भौतिक धारणा है। तो श्रील प्रभुपाद जी कुछ फ्रेज यूज़ करते हैं, मैंने लिखा है वहाँ पर, टिपिकल कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल लाइफ। प्रभुपाद श्लोक क्रमांक शायद 31 या 32 में ये उपयोग करते हैं, टिपिकल कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल लाइफ, और एक जगह उपयोग करते हैं ब्लाइंड कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ। टिपिकल कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल लाइफ मतलब व्यक्ति इस कैलकुलेशन में लगा होता है कि उसका क्या फ़ायदा है, उसको क्या मिलने वाला है, है ना। ये बहुत ही क्या है, टिपिकल को क्या बोलेंगे हिंदी में, नॉर्मल तो इंग्लिश, एक विशिष्ट स्पष्ट विशिष्ट एक विशिष्ट भौतिक मानसिकता है, है ना। टिपिकल कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल लाइफ, व्यक्ति क्या करता है, कैलकुलेट करता है हर चीज़ को, क्या करेगा, कैलकुलेट कि मेरा इसमें क्या फ़ायदा है, मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, है ना। जैसे जब ऐड होता है तो ऐड में क्या करते हैं कि आपको एक के साथ एक फ्री मिलेगा, है ना। अभी वो फ्री की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कैलकुलेशन है मन में, है ना। कोई 1 लाख की चीज़ होगी, उसके साथ 1,000 का भी फ्री मिलेगा तो वो उसको खरीद लेगा, एक कार के साथ कुछ गिफ्ट मिलेगा, है ना। तो ऐसे जो व्यक्ति हमेशा क्या है, मटेरियली हमेशा कैलकुलेट करता रहता। तो ये कुछ जो श्लोक हैं 30 से लेकर 33 तक, चार जो श्लोक हैं, इसमें अर्जुन क्या है, इसी तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। और इस कैलकुलेशन में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है वो ऐसे क्या होता है, ऐसे झूलता रहता है, ऐसा इधर 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 इधर। तो जब वो व्यक्ति कैलकुलेट करता है तो उसके मन में क्या आता है, कभी भोग आता है, कभी त्याग आता है, कभी भोग करना चाहता है, कभी सब कुछ छोड़ देना चाहता है, अरे बहुत हो गया अब,
बस कुछ नहीं चाहिए मुझे, बहुत हो गया, अकेले छोड़ दो मुझे, बहुत हो गया, है ना। कभी लगता है नहीं ये मेरे फायदे में, ये मुझे चाहिए। तो अर्जुन यही सोच रहे हैं, अरे मैं युद्ध करने आया हूँ, सोच के तो आया था कि बहुत सुख मिलेगा, लेकिन यहाँ तो सब मारे जाएंगे, अब सारे सब मारे जाएंगे तो राज्य किसके साथ भोग करूँगा, है ना। तो राज्य तो भोग नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। मुझे अगर सारा राज्य भी मिल जाए, है ना, और आगे के श्लोक में आता है ना, किम नो राजेंद्र गोविंदा किम भोगेर जीवतेन, कि हे गोविंद मुझे बड़ा राज्य भी मिल जाए फिर भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना, मैं तो चला जाऊँगा, कैसा कैसा जीवन जीऊँगा। रूपा लिखते हैं सेक्लूडेड लाइफ ऑफ फ्रस्ट्रेशन, है ना, कि एक जंगल में जाके अपने रहूँगा और अपना जीवन बिताऊँगा, ऐसे अर्जुन सोच रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने ये चार श्लोक के तात्पर्य से लिए हैं, जिसमें एक व्यक्ति की स्पष्ट भौतिकतावादी मानसिकता होती है, और ये मानसिकता एक अभक्त में भी हो सकती है और ये मानसिकता भक्त में भी हो सकती है। जैसे हम देखते हैं कुछ लोग जब शुरुआत में मंदिर आते हैं तो ये सोचते हैं मंदिर में मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलने वाला है मंदिर में, मंदिर में मेरे आनंद के लिए क्या है, है ना। वो ऐसे कम ही लोग होते हैं जो ये स्पष्ट रूप से सोच के आते हैं कि मुझे कुछ भगवान के बारे में समझना है या भगवान की सेवा करना है। अधिकतर लोग किस लिए आते हैं, इच्छाओं से आते हैं। तो गोकुलचंद प्रभु बता रहे थे कि वो एक यज्ञ में गए थे जहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था, वहाँ पर उन्होंने बुक स्टॉल लगाया और यज्ञ में उन्होंने 256 आहुति दी, 256 आहुति दी, और 256 आहुति में उनकी 256 इच्छाएँ थी कि मुझे बंगला मिल जाए, है ना, मुझे गाड़ी मिल जाए, धोती मिल जाए, साड़ी मिल जाए, गाय मिल जाए। ये 256 में से एक बार भी ये शब्द नहीं आया कि मुझे भगवान की सेवा मिल जाए, है ना। तो व्यक्ति धर्म को भी पालन करता है तो किस लिए करता है, वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। मंदिर भी आता है तो वो किस लिए आता है कि मेरे लिए क्या है। अगर मेरे लिए कुछ नहीं मिला तो एकदम से क्या हो जाएगा, अरे मुझे ये नहीं मिला, मुझे ऐसा मिलना चाहिए था, मैं तो मंदिर गया था मुझे ये नहीं मिला। तो वहाँ भी क्या होता है, मुझे मेरे लिए क्या है, अपने लिए क्या है। तो ये क्या है, एक बहुत ही स्पष्ट भौतिकतावादी मानसिकता है कि व्यक्ति बाहर के समाज में तो है ही, लेकिन भक्तों के समाज में भी अगर वो सोचे कि मेरे लिए क्या है तो क्या हो जाएगा, वो भी उस मानसिकता से निकला नहीं। उसके लिए क्या सोचना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे लिए क्या है, उससे अच्छा क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, या धर्म के अनुसार मुझे क्या करना है, है ना। जो मेरा कर्तव्य है वो मुझे करना है, है ना। अभी मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक सेकेंडरी है। तो पहले अर्जुन क्या सोच रहा है, इससे मुझे क्या मिलेगा, है ना, युद्ध करने से मुझे क्या मिलेगा। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि युद्ध करना भगवान की इच्छा है, मुझे युद्ध से क्या मिलेगा, है ना, तो भक्ति करने से मुझे क्या मिलेगा, है ना। इसीलिए कभी कभी लोग ऐसे पूछते हैं कि आप लोग और कुछ नहीं करते भक्ति के अलावा, तो भक्ति करते हैं और कुछ नहीं, और कुछ करते नहीं आप, कुछ तो पार्ट टाइम कुछ तो करते होंगे, दिन भर तो जब नहीं करेंगे। कई बार लोग आते हैं तो शेड्यूल पूछते हैं कि आप लोग सुबह आपसे आपकी दिनचर्या क्या है, तो उनको बताते हैं कि 3:30-4 बजे उठते हैं, फिर 9-10 बजे तक ये होता है, उसके बाद सेवा। तो सेवाओं में क्या करते हैं, क्या पूजा पाठ तो हो गया सुबह, अब कौन सी सेवा है। तो आप कुछ साइड में भी कुछ कर सकते हैं, है ना। तो उनको वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि भगवान की जो सेवा है उसके अलावा और संसार में एक्चुअली कुछ है भी नहीं, है ना। और करने के लिए है क्या संसार, जो भगवान या भगवान से संबंधित है वही सेवा करने के लिए। तो पहली मानसिकता क्या है, इससे मुझे क्या मिलेगा, है ना। दूसरा क्या है, जैसे कल मैंने हमने काफ़ी डिस्कस किया था, मैं यहाँ क्यों हूँ, नकारात्मक विचार में सोचना, अरे मैं यहाँ हूँ क्यों, है ना। जैसे यहाँ पर तात्पर्य में आता है कि जो बहुत अधिक देहात्म बुद्धि में पहुँच चला, जो बहुत अधिक देहात्म बुद्धि में है, है ना, और जब उसको निराशा हाथ होती है तो वो सोचता है कि मैं आया क्यों। ऐसे कई सेमिनार होते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो अर्जुन में भी स्ट्रेस में जा चुके हैं यहाँ पर। तो भगवान कैसे मैनेज, स्ट्रेस मैनेज नहीं होता, स्ट्रेस आ ही जाता है अपने आप। तो भगवान उस स्ट्रेस कैसे कैसे मैनेज करते हैं,
अर्जुन कई जगह ऐसा होता है कि गुस्सा आए तो आपको 100 काउंट करना है, है ना, पीछे से काउंट करना, 100, 99, 98, 97 ऐसे काउंट करना है। तो ऐसे एक जोक है कि दो लोग थे जो दोनों स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार से आ रहे थे अलग अलग जगह से, तो दोनों जब मिलते हैं तो गुस्सा आता है तो एक दूसरे को मार देता है खींच के। तो बोलता है कि तुम भी तो गए थे स्ट्रेस मैनेजमेंट एंगर मैनेजमेंट में, तुम्हें क्या हो गया? तो मैंने कहा मैंने भी काउंटिंग किया। बोलो तुमने काउंटिंग नहीं किया? मतलब मैंने भी काउंटिंग किया। बोलो तुमको कितना सिखाया था? मैंने 10 तक काउंटिंग सिखाई थी। और तुम्हें कितने सिखाई थी? मुझे 100 तक सिखाई थी। तो मेरी 10 पूरी हो गई थी इसीलिए मैं लगा दिया 10 के बाद। तो ये जो आधुनिक स्ट्रेस मैनेजमेंट एंगर मैनेजमेंट, अर्जुन जैसा स्ट्रेस कैसे हो सकता है? अर्जुन जैसा कोई इतना तनाव में कैसे हो सकता है? लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? भगवान ऐसा नहीं बोलते। भगवान कहाँ से स्टार्ट करते हैं? असोचानान सोचस्तम, कि तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, बात बड़ी बड़ी कर रहे हो लेकिन हो मूर्ख। भगवान यहाँ से अर्जुन को समझाना चालू करते हैं। भगवान ऐसा नहीं बोलते कि हाँ कोई बात नहीं, अच्छा है, थोड़ा सब कुछ बैलेंस करके चलना चाहिए, है ना, सब कुछ देखना चाहिए। आधुनिक स्ट्रेस मैनेजमेंट वाले वो यही सिखाएंगे, है ना। तो मैं यहाँ क्यों हूँ? नकारात्मक, है ना। फिर तीसरा है, अब मुझे कुछ लेना देना नहीं है, बहुत हो गया बस, कोई राज्य नहीं चाहिए, कोई स्वर्ग प्राप्ति नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस शमशान वैराग्य। प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं कि कई बार किन्हीं की मृत्यु होती है और मृत्यु को अंतिम संस्कार करने के लिए लोग जाते हैं शमशान में जाते हैं, और जब शमशान में जाते हैं तो वहाँ जब देखते हैं शरीर को जलते हुए तो उनके मन में आता है क्या रखा है दुनिया में, इस शरीर में क्या रखा है, है ना, ये कमा रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, इसमें क्या क्या रखा हुआ है ना, सब कुछ जाने वाला है, कुछ है ही नहीं। तो वो शमशान वैराग्य रहता है कुछ समय तक, और जब घर में वापस आते हैं तो फिर दोबारा वो टीवी और न्यूज़पेपर उसमें लग जाते हैं। तो अर्जुन को भी क्या आ रहा है? ये शमशान वैराग्य आ रहा है। अर्जुन बोल रहे हैं कि राज्य का क्या मत, क्या चाहिए मुझे गोविंद, है ना, वो बोल रहे हैं इस श्लोक में 32 और 33 में कि गोविंद, गोविंद के नाम से पुकार रहे हैं, है ना। गोविंद मतलब इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले, तिरुपति बालाजी में बोलते हैं ना गोविंदा गोविंदा। तो अर्जुन भी पूछे बोल रहे हैं गोविंद गोविंद, अरे मुझे मेरी मेरी स्थिति को समझिए, मेरी इंद्रियों को संतुष्ट कीजिए, है ना, मेरी इंद्रियां सूखी जा रही, तो आप भगवान आप मेरी स्थिति समझते क्यों नहीं? ये चौथा मेंटेलिटी है। व्यक्ति क्या सोचता है? भगवान मेरी कंडीशन को तो समझो। भगवान क्या समझे? भगवान तो परमात्मा के अंदर स्वयं बैठे हुए, भगवान हर चीज़ देख रहे हैं, भगवान हमसे अच्छी तरह समझते हैं हमारी कंडीशन को। हम तो अपनी कंडीशन छोटी सी देख पा रहे हैं, कुछ दिन की देख पा रहे हैं, कुछ महीने की देख पा रहे हैं, इस जीवन की देख पा रहे हैं, लेकिन भगवान को तो पूरा बहुत बड़ी पिक्चर पता है। तो अगर हम सोच रहे हैं कि भगवान आप मेरी स्थिति को समझिए, मैं कैसे युद्ध करूँ, जो अर्जुन सोच रहे हैं, है ना, तो ये भी क्या है, ये भी क्या बता रहा है, वही सेल्फ सेंटर्डनेस, है ना, उसकी स्वयं की भावना है ना, कि भगवान आप मुझे समझ क्यों नहीं रहे। फिर पांचवा है, मेरे लिए क्या है, है ना, ये भी लोगों के मन में होता है, मिलता जुलता है, इससे मुझे क्या मिलेगा, मेरे लिए क्या है। फिर शो ऑफ, अपने ऐश्वर्य को दिखाना। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि अगर मुझे राज्य मिल भी गया और सारे सगे संबंधी वहाँ पर नहीं है तो किन को दिखाऊँगा, मज़ा क्या आएगा, कोई आनंद ही नहीं आएगा। दूसरों को दिखाने में अधिक आनंद आता है ना, किसी का एग्ज़ाम पास हो गया, किसी को अच्छा जॉब है, किसी का घर है, कार है, है ना, तो उसको दिखाने में अधिक आनंद आता है जितना खुद चलाने में आनंद आता है ना, क्योंकि लोग देखेंगे तो एक सूक्ष्म स्तर पर आनंद प्राप्त होगा। तो वो शो ऑफ मेंटेलिटी, तो अर्जुन किसी को अपना राज दिखा ही नहीं पाएंगे तो आनंद ही नहीं आएगा, इसीलिए क्या हो गया, शमशान वैराग्य। ये प्रभुपाल लिख रहे हैं शो ऑफ टेंडेंसी के बारे में। और सो कॉल्ड गुड मैन, अच्छे आदमी बनना चाहते हैं हम, भक्ति नहीं करते लेकिन अच्छे आदमी हैं हम, किसी का बुरा नहीं सोचते हम, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते हैं हम, तो बहुत अच्छे आदमी। ये गीता तो आप उसको देना जो थोड़ा बुरा, हम तो बहुत अच्छे आदमी। ऐसे सुना है, ऐसे कई लोग मिलते हैं,
हमने तो कुछ कभी नियम भी नहीं तोड़ा है, है ना, हम तो सब कुछ पालन करते हैं, हम तो भगवान इनको नहीं मानते, हम अच्छे हैं। लेकिन अच्छे और बुरे की परिभाषा क्या है, कौन है अच्छा कौन है बुरा, है ना। कोई जेल में है और मैं जेल का बहुत वफादारी कैदी हूँ, मुझे जेल से निकलना नहीं है, मैं क्राइम करना नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हूँ बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छे से पत्थर तोड़ता हूँ, ईमानदारी से दीवार साफ करता हूँ, ईमानदारी से वहाँ के जो लोहे हैं वो घिसता हूँ, बहुत अच्छा आदमी हूँ, लेकिन क्राइम करना नहीं छोड़ूंगा, क्राइम तो मैं करूँगा। तो इसी तरह जो बोलते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, मतलब भगवान से द्वेष करना नहीं छोड़ेंगे, भगवान से तो द्वेष करते रहेंगे, लेकिन जो बहुत एक नैतिक स्तर की अच्छा, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ईमानदार चोर, कि कुछ चोर हैं और उन्होंने साथ में मिलकर चोरी किया और ईमानदारी से बांट रहे हैं, और अंतिम है मैं, मेरा और मुझे, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। कि हम पूरे दिन में कितनी बार बोलते हैं आप, इसे हम सबको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और रात में सोने से पहले ध्यान करें कि कितनी बार उन्होंने मैं, मेरा और मुझे इस पर ध्यान किया, और कितनी बार मुझे याद आया कि कृष्ण और कृष्ण की सेवा और कृष्ण के लिए। तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कितना हम भौतिक चेतना में हैं और कृष्णा कितना हम कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो एक एक करके अभी हम देखते हैं, यही सारी मानसिकता ये चार श्लोक में अर्जुन व्यक्त कर रहे हैं। तो श्लोक क्रमांक 31, ये भी इम्पोर्टेंट श्लोक है, किन्हीं वो होमवर्क किया है जिसमें अर्जुन के शरीर के क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या आ रहे हैं, किन्होंने किया। ओके, तो उनके पैर कैसे हो रहे हैं, हाथ पैर कैसे हो रहे हैं, कांप रहे हैं, मुख सूख रहा है, पूरा शरीर, बाल रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडी छूट रहा है, त्वचा जल रही, पैर अभी खड़े होने में असमर्थ हैं, अभी खड़े नहीं हो सकते, है ना। ओके, और अंततः क्या था कि मैं अपने आप को भूल रहा हूँ और मेरा मन क्या हो गया, बहुत विचलित हो गया, परेशान हो गया। तो ये 8 सिम्टम है जो अर्जुन को आते हैं। दूसरा, हाँ, अश्रुपूर्ण, ये तो केवल इन 2 श्लोक 29 और 30। ओके, श्लोक क्रमांक 31, ये भी इम्पोर्टेंट श्लोक है, ना चा श्रेयोनुपश्चामी हत्वा स्वजन माहमी न कांचे विजयम कृष्णम न चा राज्यम सुखानी चा। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज या सुख की इच्छा रखता हूँ। देखिए, तो पहला लाइन इम्पॉर्टेंट है, ना चा श्रेयोनु पश्चामी हत्वा स्वजन माहम, कि भगवान इसमें मैं कुछ अच्छा देखते ही नहीं, ये सिद्ध में कोई अच्छाई दिखती नहीं। किन्हीं को दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक याद है, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक जहाँ अर्जुन शरणागति लेते हैं, क्या है, हाँ, पूर्व तीसरी लाइन, यत श्रेय, ये, और इसमें क्या आ रहा है, नाचा श्रेयनु पश्चामी। यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, और उस दूसरे श्लोक के 7वें अध्याय, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि भगवान मेरे लिए वास्तव में अच्छा क्या वो बताइए आप। तो व्यक्ति शुरू में क्या बोलता है, शरणागति लेने से पहले, मुझे मेरे लिए तो अच्छा नहीं है, मैं तो समझ गया मुझे ठीक नहीं लग रहा। लेकिन जब वो गुरु के पास में जाता है, भगवान के पास में जाता है, बोलता है कि आप बताइए कि मेरे लिए अच्छा क्या है। शरणागति लेने से पहले क्या वो सोच रहा है कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मैं करूँगा, ये मैं करूँगी, और ये मेरे लिए अच्छा नहीं, ये मैं नहीं करूँगा, ये मैं छोड़ दिया, है ना। तो वही अर्जुन बोल रहे हैं, नाचा श्रेयनु पश्चामी, कि मुझे कुछ श्रेयस्कर नहीं दिख रहा है इस युद्ध में, हत्वा स्वजन माह में, कि अपने स्वजनों को मारने में कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा मुझे, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में बताते हैं, ओके, तो 2 तरह के वाक्य होते हैं, एक होता है श्रेयस, एक होता है प्रेयस, ये बहुत महत्वपूर्ण है, श्रेयस और प्रेयस। श्रेयस का अर्थ क्या होता है, क्या है श्रेयस, मतलब वास्तव में जो बेनिफिट्स, बेनिफिशियल है, लॉन्ग टर्म भी बोल सकते हैं या वास्तव में, जो वास्तव में हमारे लिए हितकारी है, लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल, ठीक है। प्रेयस
इमीडिएट, तुरंत जो हमें अच्छा लग रहा है ना। तो जैसे प्रभुपाद जी यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि एक बच्चा है, तो बच्चे को दिन रात खेलना अच्छा लगता है, तो उसके लिए वो श्रेयस है या प्रेयस है? वो उसके लिए क्या है? प्रेयस। और स्कूल जाना उसके लिए श्रेयस है या प्रेयस? श्रेयस। तो माता पिता क्या है उसको? वैसे स्कूल जाना किसी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन समझाने के लिए कि माता पिता देख पा रहे हैं कि इसको इसका पढ़ाई करना क्या है? श्रेयस है। और खेलना क्या है? प्रेयस है ना। इसी तरह प्रभुपाद जी एक उदाहरण और देते हैं अपने इस लेक्चर में। अगर मैं कुछ खाता हूँ और मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है ना, और उसका एक बुरा प्रभाव आएगा, तो मैं क्या करूँगा? उसको नहीं खाऊँगा, है ना। तो मुझे पता है कि ये मुझे फ़ायदेमंद नहीं है। वो टेस्ट में अच्छा हो सकता है, तो टेस्ट में अच्छा है मतलब क्या है? वो प्रेयस। लेकिन उससे हेल्थ खराब होगी तो क्या होगा? श्रेयस, है ना। तो जो खासकर बच्चे हैं, ये बहुत ही अधिक देहात बुद्धि में होते हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? प्रेयस। तुरंत क्या अच्छा लग रहा है। लेकिन जो थोड़ा दूरदृष्टि वाले होते हैं, उनको क्या होता है? श्रेयस, है ना। लेकिन जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो उनके लिए भी श्रेयस क्या होता है? बहुत लंबा नहीं होता। जैसे किसी ने सोचा कि आगे चल के क्या बनना है, है ना। कोई बोला डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, CA बनना है, तो वो श्रेयस लग सकता है, लेकिन वास्तव में वो भी श्रेयस नहीं है। इसीलिए अर्जुन क्या बोलते हैं? यत श्रेय निश्चिताम ब्रूहितम ने, कि आप मुझे निश्चित करके बताइए कि मेरे लिए अच्छा क्या है, वो निश्चित कीजिए। और यहाँ अर्जुन क्या बोल रहे हैं? नाचा श्रेयनु पश्चामि, कि भगवान मुझे कोई अच्छा दिख ही नहीं रहा कुछ। स्वजन हत्वा स्वजन माम, अपने स्वयं को मारने में। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपना जो श्रेयस है वो किस हिसाब से देखते हैं? स्वयं के हिसाब से, है ना। तो प्रभुपाद का फिर दूसरा लेक्चर है। प्रभुपाद बोल रहे हैं, सो हेयर इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज श्रेयस। तो एक समस्या है कि श्रेयस क्या है। भगवद गीता इज ही इज थिंकिंग दैट कृष्णा इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, माई फैमिली इज इम्पॉर्टेंट, है ना। तो अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि कृष्ण इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरा परिवार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यही चल रहा है ना, हत्वा स्वजन महामे, कि मैं अपने स्वजनों को मारूंगा तो इसमें मुझे कोई अच्छा नहीं दिख रहा। तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? देयर फॉर भगवद गीता इज रिक्वायर्ड, ही इज थिंकिंग दैट कृष्णा इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, माई फैमिली इज इम्पॉर्टेंट। माई फैमिली ऑल दो ही इज ए डिवोटी, हालांकि वो भक्त है तो भी क्या सोच रहा है? मेरा परिवार अधिक इम्पॉर्टेंट। देयर फॉर कनिष्ठ अधिकारी, वन मे बी इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्सियसनेस बट इज रियल इंटरेस्ट इज हाउ टू इम्प्रूव दिस मटीरियल लाइफ। तो कनिष्ठ अधिकारी हैं, हालांकि वो कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं, लेकिन उनका वास्तव में रुचि क्या है कि उनके भौतिक जीवन को कैसे अच्छा बनाया जाए, है ना। तो वही सेम मेंटेलिटी यहाँ चल रही। जस्ट लाइक ओ गॉड गिव अस अवर डेली ब्रेड, सो ही हैज़ गॉन टू गॉड नॉट टू सर्व गॉड बट टू टेक ब्रेड। तो भगवान के पास गए किसके लिए? अपनी, है ना, जैसे बोलते दाल रोटी, दाल रोटी के लिए ब्रेड एंड बटर, साउथ इंडिया में इडली सांभर जो डेली का उनका, इसके लिए जा रहा। फिर यहाँ प्रभुपाद फिर श्रेयस के बारे में बोल रहे हैं। ये प्रभुपाद जी के आप लेक्चर सुन सकते हैं जब समय मिले, पहले अध्याय पर जो जो चल रहा है वो सुनते जाइए, और उसको अगर किन्हीं के पास वेदाबेस है तो उसको पढ़ते हुए सुन सकते हैं। तो प्रभुपाद जी एक एक शब्द को बहुत एलेबोरेट कर रहे हैं। जैसे हमने कल देखा था स्वजन, रास्कल ओन मैन, प्रभुपाद बोल रहे हैं रास्कल ओन मैन। यहाँ इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ श्रेयस को कर रहे हैं कि वास्तव में हमारा फ़ायदा किस में। अर्जुन इज टॉकिंग ऑफ द अल्टीमेट गुड, अर्जुन किसकी बात कर रहे हैं? श्रेयस की बात कर रहे हैं। बट ही इज टॉकिंग अल्टीमेट गुड विद द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम मटेरियल कॉन्सेप्शन। तो अच्छे की बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली अच्छा क्या होगा बात तो कर रहे हैं, लेकिन किसको आधार लेके कर रहे हैं? भौतिक अवधारणा को लेकर, है ना। वी विल लिव, फिर बोल, अल्टीमेट गुड इज नॉट दैट वी लिव विथ फैमिली दैट इज गुड, नो, वेन वी लिव विथ फैमिली बिकॉज, बट यू लिव विथ फैमिली विथ कृष्ण। तो यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि कृष्ण परिवार के साथ रहेंगे तो वो वास्तव में फिर श्रेयस होगा।
ओके, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। न कांचे विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानी च। तो देखिए कि ऐसी स्थिति आ गई कि मुझे ना तो जीत चाहिए है, ना मुझे राज्य चाहिए, ना मुझे सुख चाहिए। क्या बोल रहे हैं अर्जुन? ना चा राज्यम सुखानी चा, न कांचे विजयम कृष्णम, कोई मुझे विजय नहीं चाहिए, ना चा राज्यम, राज्य भी नहीं चाहिए और सुख भी नहीं चाहिए। तो देख लीजिए बिल्कुल शमशान वैराग्य के हैं। ऐसे कई कोई बोलते हैं मुझे बस बहुत हो गया, अब मुझे नहीं जीना है ना, बहुत हो गया। तो वो क्या होता है, थोड़े समय के लिए क्या आ जाता है, वो शमशान वैराग्य, कि सुख भी नहीं चाहिए। क्यों सुख नहीं चाहिए? क्योंकि मेरे स्वजन जो है वो सुखी नहीं रहे। ओके, तो प्रभुपाद फिर से वो उस श्लोक को कोट कर रहे हैं। नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये बाह्य अर्थमालिनी, कि किसी व्यक्ति को ये नहीं पता है कि उसका वास्तव में स्वार्थ किस में है। स्वार्थ वास्तव में एक्चुअली हर किसी को स्वार्थी होना चाहिए, लेकिन रियल सेंस में स्वार्थी होना चाहिए। पहले उसको अपना स्व जानना चाहिए, जब वो स्व जानेगा तो वो सही सेंस में स्वार्थी होगा। तो हर व्यक्ति को स्वार्थी होना चाहिए, स्वार्थी होना गलत नहीं है, लेकिन स्व नहीं पता होता है। वो स्व क्या समझते हैं? शरीर। अगर वो स्व आत्मा जानते हैं तो फिर स्वार्थी होना तो क्या गलत है? आत्मा के लिए कर रहे हैं, दूसरों की आत्मा के लिए कर रहे हैं, दूसरों आत्मा को भक्ति में बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति में लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस सेंस में स्वार्थ होना गलत नहीं है। तो नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, किसी को पता नहीं उसका स्वार्थ किस में। दुराशया ये बाह्य अर्थ मानिना, कि होप अगेंस्ट होप है ना, कि इच्छा दुराशया बाह्य अर्थ मानिना। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य समझा रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगी है तो वो कुकिंग नहीं करेगा, है ना, किसी को भूख नहीं है तो कुक नहीं करेगा। तो अर्जुन ऐसे सोच रहे हैं कि मुझे कुछ सुख मिलने वाला नहीं है तो मैं युद्ध क्यों करूं, है ना। उनको ये नहीं है ये मेरे लिए धर्म है या अधर्म, इम्पोर्टेंट क्या है, मेरा सुख है कि नहीं है। मुझे सुख मिलके युद्ध सुख मिलेगा युद्ध करने से तो मैं युद्ध करूंगा, और सुख नहीं मिलेगा तो नहीं करूंगा। वो ये नहीं सोच रहे कि भगवान की इच्छा है, जैसे हम सेवा करते हैं है ना, तो प्रसाद सेवा करने में तो सबको सुख मिलता है, उसमें नहीं सोचते हैं कि जब प्रसाद सेवा कर रहे हैं सबको सुख मिल रहा है। तो जैसे कल हम एग्जांपल देख रहे थे बर्तन धोने का, कभी कभी ऐसा आश्रम में होता है कि रात में बहुत लेट नाइट में बर्तन धोना पड़ता है ना, तो उस समय में सुख नहीं मिल रहा है। तो उस समय लेकिन क्या समझना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या क्या ड्यूटी दी गई, क्या मुझे सेवा दी गई। अभी वो सेवा करते समय मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, मेरा ये कर्तव्य है। अच्छा किसे नहीं लग रहा है, मन को अच्छा ही लग रहा है, शरीर को अच्छा ही लग रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आत्मा के लिए तो अच्छा है, लेकिन उस चीज़ को हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं कि वो आत्मा के लिए अच्छा है, क्योंकि वो सेवा मिल रही। ऐसा आता है सेवा करते करते भी, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि फिर वो करने की इच्छा नहीं रहती। क्यों नहीं रहती इच्छा? थकान तो है ही, लेकिन वो मन को या जो शरीर को आनंद मिल रहा था वो नहीं मिलता। इसीलिए क्या होता है, कुछ समय के बाद सेवा छोड़ देते हैं या फिर सेवा बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में तो मन को, इंटेलिजेंस को, शरीर को बहुत आनंद मिल रहा था, अभी वो आनंद मिलना बंद हो गया। तो ऐसे अर्जुन क्या है, इस तरह से अर्जुन भी सोच रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि एक सन्यासी है जो अपने सन्यास धर्म को पालन करता है तो उसको सूर्य लोक प्राप्त होता है, और क्षत्रिय है अगर अपने धर्म को पालन करते हुए युद्ध भूमि में मारा जाता है तो उसको भी सूर्य लोक प्राप्त होता है। मतलब वर्णाश्रम में जो चार वर्ण हैं, जो भी अपने अपने धर्म को पालन कर रहे हैं उनको समान रूप से गति प्राप्त होती है। कोई भेदभाव नहीं है कि ब्राह्मण ऊपर है और शूद्र नीचे है। शूद्र का जो धर्म है, वैश्य का जो धर्म है, ब्राह्मण का जो धर्म, जिसका जो धर्म है उसको पालन करेंगे उसको सेम डेस्टिनेशन मिलेगी, यहाँ ऐसा प्रभुपाद बता रहे। लेकिन अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि मैं तो अभी सब छोड़ के यहाँ से जा रहा हूँ। ओके, तो ये क्या है, क्षत्रिय ऐसे युद्ध भूमि से भाग नहीं सकते, है ना। जैसे मान लीजिए कोई कोई ऑफिस है, कोई कंपनी है, वहाँ पर चोर ने अटैक किया, डाकू ने अटैक किया, तो जितने गार्ड हैं सब क्या सोचने लगे, मैं तो है ना अहिंसो परमो धर्मा, शांति, ओम शांति। तो क्या होगा, आपको रखा क्यों है वहाँ पर, आपको गार्ड्स को रखा क्यों है, सिक्योरिटी को क्यों रखा है, अहिंसा के लिए रखा है, ओम शांति के लिए रखा है, नहीं रखा है।
तो समाज में क्षत्रिय को क्षत्रिय क्यों है? समाज में क्षत्रिय इसीलिए है ना कि जो अधर्म है उसको हटाने के लिए। अभी अधर्म को हटाने का समय आ गया तो फिर ओम शांति में चले गए, ऐसे ही हो रहा है ना। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि युद्ध ना करके अर्जुन क्या करेंगे, अधर्म करेंगे। अगर युद्ध नहीं करेंगे, अर्जुन को लग तो रहा है कि युद्ध करके मैं बहुत अच्छा आदमी कहलाऊंगा, कितना सभ्य व्यक्ति है, कितना नोबल आदमी है, वही सो कॉल्ड गुड मैन, कि देखो अपने लिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस राज्य के लिए, लेकिन क्या है खुद अच्छा बनना चाहते हैं। तो लेकिन भगवान की नज़र में अच्छा क्या है? अगर भगवान की इच्छा को पालन करेंगे, अगर भगवान की इच्छा को छोड़कर अच्छा बनना चाहेंगे तो वो कोई किसी काम का अच्छा नहीं। अगर भगवान की दृष्टिकोण, भगवान की इच्छा को पालन करते हुए अगर हम बुरे भी बन गए लेकिन भगवान की दृष्टिकोण से अच्छे हैं, तो अर्जुन क्या है एक सो कॉल्ड अच्छे व्यक्ति बनना चाह रहे हैं। तो ये भोग त्याग ऐसा अर्जुन का क्या चल रहा है, भोग त्याग। कुछ नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, सुख छोड़ो, है ना, सुख छोड़ दो। तो 30वें श्लोक में जो था वो भोग के बारे में है, और 31वां श्लोक जो है वो त्याग के बारे में, वो भी आप इस साइड में लिख सकते हैं। फिर श्लोक क्रमांक 32 से 35 उसमें चलते हैं। अभी ये जो श्लोक है इसमें आ रहा है एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, विस्तृत इंद्रिय तृप्ति के बारे में अर्जुन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं अर्जुन? हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन और प्राण देने के लिए तत्पर हैं, एक्चुअली वास्तव में धन और प्राण देने के लिए तत्पर नहीं है, वो तो छीनने आए हैं, और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, एक्चुअली यहाँ पर नाम है जनार्दन, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों ना मिलते हों, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। मतलब मुझे पृथ्वी भी नहीं चाहिए और तीन लोग भी मिल जाए तो भी नहीं चाहिए मुझे। कितना अच्छा व्यक्ति है अर्जुन, है ना, लेकिन भगवान डांटने वाले हैं भी। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? तो यहाँ भगवान के तीन नाम आ रहे हैं, किसी ने ध्यान से सुना तीन कौन कौन से नाम? हाँ, गोविंद, जनार्दन और मधुसूदन। तो एक एक नाम पे हम देखते हैं। तो पहले आ रहा है गोविंद, गोविंद है ना, तो गोविंद मतलब जो गाय और इंद्रियों को आनंद देने वाले। तो गोविंद नाम बोलकर अर्जुन बताना चाह रहे हैं कि कृष्णा शुड अंडरस्टैंड व्हाट विल सेटिस्फाई अर्जुनास सेंसेस, कि भगवान आप समझो मुझे क्या अच्छा लगता है, आप समझ क्यों नहीं रहे भगवान, आप समझिए मुझे ये सेवा अच्छी लगती है, ये सेवा दीजिए। बट गोविंद इज नॉट मेंट फॉर सेटिस्फाइंग अवर सेंसेस, लेकिन गोविंद क्या है, हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए नहीं है, है ना। हरे कृष्णा। मटेरियली एवरी वन वॉन्ट्स टू सेटिस्फाई हिज सेंसेस, है ना, ऑर्डर सप्लायर, भगवान क्या है, ऑर्डर सप्लायर। The Lord will satisfy the senses of the living entities as much as they deserve. तो भगवान एक जीव की इंद्रियों की इतनी ही संतुष्टि करते हैं जितना वो डिजर्व, डिजर्व क्या बोलेंगे, योग्य अधिकारी, जितना उसका जरूरत है उतना देता है, इतना नहीं करते कि उसकी लोभ बहुत बढ़ जाए। ओके, फिर से यहाँ वो थीम रिपीट हो रही है, एज ए के एक भक्त होने के नाते, एक स्वाभाविक करुणा का हृदय होने के नाते वो अपने लिए युद्ध करना नहीं चाहता, लेकिन भगवान जो हैं, भक्त जो हैं अपने किए हुए अपराध के प्रति क्षमा कर देते हैं, लेकिन भक्त क्या है, भगवान टॉलरेट नहीं करते, है ना। जैसे हम देखते हैं कि दुर्वासा मुनि का अपराध जो है अमरीश महाराज ने लिए ही नहीं, अब भक्त तो क्या अपराध ही नहीं लेते। जैसे कल कौन, अरुण पूछ रहे थे कि कोई किसी ने बोल दिया तो ऑफेंडेड फील करते हैं,
तो उस समय क्या करें? तो मैंने कहा जो भक्त हैं वो ऑफेंडेड फील करेंगे नहीं, है ना, और फिर हम ऐसा कुछ करना नहीं है कि किसी के प्रति ऑफेंस हो जाए। तो दुर्वासा मुनि ने इतना बड़ा ऑफेंस किया, लेकिन अम्बरीश महाराज ने ऑफेंस लिया ही नहीं। तो दुर्वासा मुनि जाते हैं अम्बरीश महाराज के पास में क्षमा मांगने, तो अम्बरीश महाराज बोलते हैं आप किसकी क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा किस लिए मांग रहे हैं, आपने किया क्या, है ना। तो भक्त जो होते हैं वो उनको तो इस चीज़ की परवाह ही नहीं होती कि किसी ने मेरा अपमान, है ना, इस तरह से किया, लेकिन भगवान क्या है, भगवान क्षमा नहीं करते। भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा और सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है ना। तो ओके, फिर यहाँ देखते हैं मधुसूदन। मधुसूदन का नाम क्या है? मधुसूदन मतलब मधु और कैटब राक्षस को मारने वाले। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान आप मधुसूदन हैं, आप नंदसूदन नहीं हैं, आप यशोदासूदन नहीं हैं। आप मुझे बोल रहे हैं कि मेरे संबंधियों को मारो, आप क्या नंदसूदन हैं, आप यशोदासूदन हैं। प्रभुपाद ऐसा लिख रहे हैं, यू आर मधुसूदन, यू आर द किलर ऑफ मधु डीमन, यू आर नॉट नंदसूदन यशोदासूदन। तो ऐसे अर्जुन मधुसूदन करके थोड़ा सा कटाक्ष बोल रहे हैं भगवान को, है ना, कि आप कभी अपने गुरु को मारेंगे, आपने संबंधियों को मारेंगे, मुझे मारने के लिए बोल रहे हैं, आप मधुसूदन हैं, आप नंदसूदन नहीं हैं। तो ये मधुसूदन का ये अर्थ। फिर जनार्दन, जनार्दन का क्या अर्थ है हिंदी में आया है, जीवों के पालक, है ना। एक है जन अर्दन और एक जन आर्दन, लिखिए जन प्लस अर्दन और एक है जन प्लस आर्दन। तो जन प्लस अर्दन मतलब जनार्दन, जीवों के पालक, और जन प्लस आर्दन मतलब जीवों को मारने वाले। तो अर्जुन क्या बोले कि भगवान आप जनार्दन हैं, लोगों के मेंटेन करने वाले हैं, है ना, और आप ही मारने वाले हैं, तो अगर इनको मारना है तो आप मारिए, मुझे क्यों बोल रहे हैं मारने के लिए जी। हाँ, तो भगवान को वो इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं कि भगवान आप मारो, मारना है तो आप मारो, मुझे क्यों बोल रहे हो, क्यों, क्योंकि आपको तो कुछ पाप नहीं लगेगा, लेकिन मैं मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो अगला जो आर्ग्यूमेंट आने वाला है अर्जुन का वो क्या आएगा, पाप, सिन। मतलब अर्जुन क्या है, अभी भगवान को प्रीचिंग करेंगे भगवान को प्रीच करने वाले अर्जुन कि तो भगवान से पाप लगेगा, भगवान को नहीं पता है पाप क्या है, पुण्य क्या है, अर्जुन बताएंगे उनको, है ना। ओके, फिर और इसमें एक पॉइंट आ रहा है, यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। देखिए अर्जुन राज्य स्वीकार करना नहीं चाह रहे, लेकिन भगवान की सेवा के लिए वो कोई सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता, है ना। अगर भगवान की सेवा के लिए आवश्यक है तो बहुत सारे धन भी स्वीकार कर लेता, भगवान की सेवा के लिए आवश्यक नहीं है, पर्सनली उसकी कोई इच्छा नहीं अर्जुन। हाँ, ये तो हम कि अर्जुन जो है युद्ध करना नहीं चाहते, अर्जुन ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि इन्होंने मेरे प्रति इतने अपराध किए इसलिए उनको छोड़ दो। तो हम प्रभुपाद जी के जीवन में ऐसा देख सकते हैं कि प्रचार कार्य करने के लिए प्रभुपाद बहुत सारे लक्ष्मी धन इकट्ठा करना, है ना, और धन अलग अलग प्रोजेक्ट्स में लगाना, लेकिन व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रभुपाद जी बहुत ही सादा जीवन रखते थे, है ना। ऐसे हम देखते हैं कि प्रभुपाद के अंतिम प्रकट लीला में प्रभुपाद कुछ समय भुवनेश्वर में रुकते हैं, हालांकि प्रभुपाद जी के बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट हाउस थे अलग अलग जगह, लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, और प्रभुपाद वहाँ भुवनेश्वर में रुकते हैं, और वहाँ पर रुकने की कोई जगह भी नहीं थी, प्रॉपर ऐसे हट थी, और प्रभुपाद स्वयं जाते थे 3:30 बजे उठते थे, हैंडपम्प चलाते थे, हैंडपम्प के पानी से स्नान करते थे। अभी जो पूरे वर्ल्ड आचार्य हैं इतने सारे अलग अलग मंदिरों में अच्छे अच्छे गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं, प्रचार के लिए आवश्यक है वहाँ पर सुविधा नहीं है,
तो प्रभुपाद जी वहाँ भुवनेश्वर मंदिर में रुके। ऐसे प्रभुपाद जी कुंभ में रुके प्रयागराज में, तो देखा कि सारे अधिकतर शिष्य क्या है, सो रहे हैं, क्योंकि बहुत ठंडी थी, माघ का समय था, है ना। तो प्रभुपाद स्वयं 3 बजे उठ गए और फिर वहाँ पर त्रिवेणी में स्नान करके जब वापस आए तो शिष्यों ने देखा कि प्रभुपाद खुद उठ के वहाँ पर जा रहे हैं, है ना, इतनी असुविधा होते हुए प्रभुपाद जी ले रहे हैं और हम यहाँ पर सब यंग हैं और सो रहे हैं। तो सब अगले दिन से टाइम पर सब उठने लगे। तो यही प्रिंसिपल यहाँ बताया जा रहा है कि भगवत इच्छा के लिए अगर बहुत सारा ऐश्वर्य भी लेना पड़े तो वो ले लेंगे, है ना। अगर भगवत इच्छा नहीं है तो कोई भी सुविधाओं का उपयोग नहीं करेंगे। जैसे कि एक किसी न्यूज़पेपर में आया था, एक कोई बड़ा साधु था अमेरिका में, और उसका आया था कि बहुत सारा धन था, ए साधु हु सोल्ड मर्सिडीज, ऐसा कुछ टाइटल था, हाँ, ऐसा एक कोई बुक आई थी, उसी से संबंधित एक आर्टिकल था। एक कोई साधु था जिसने सारा धन त्याग दिया ऐसे, और सब उसको बोले थे कितना बड़ा साधु है और इतना सारा धन त्याग दिया। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि जो भी धन है तुम लेके आओ, अपने शिष्यों को बोला, और एक पैसे का नोट का पहाड़ बनाओ, ऐसा पहाड़ बनाओ और मैं उसको गले लगाऊंगा और मेरा फोटो लेके भेज देना नेचर को बना। तो और ऐसे कभी कभी ऐसा होता था, प्रभुपाद जी के पास ऐसे लक्ष्मी आती थी। एक बार प्रभुपाद जी ऐसे कुछ नोट ऐसे गिन रहे थे, तो कुछ बाहर के व्यक्ति आते हैं, लाइफ मेंबर थे या कोई वेल विशर, तो प्रभुपाद जी से कुछ प्रश्न पूछ रहे थे। तो वो प्रश्न पूछ रहे थे और प्रभुपाद जी नोट गिन रहे थे, प्रभुपाद प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रभुपाद नोट गिन रहे हैं, एक रख दिया, फिर प्रभुपाद कुछ वॉइस में बोल रहे हैं, फिर उठाया, फिर नोट गिन रहे हैं। तो वो सोचने लगे कि कितने अटैच्ड हैं पैसे से, है ना, कि हम यहाँ जिज्ञासा करने आए हैं और बिल्कुल पैसे गिनने में ऐसे लगे हुए हैं। और सब जब पैसे गिन लिए तो प्रभुपाद जी ने बोला कि सारे का सारा धन आप वृंदावन मंदिर को दे दीजिए, वहाँ पे आवश्यकता है। तो वो भक्ति भी क्या है, ऊपरी तौर से लगेगा कि बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, भौतिक लोगों से डील कर रहे हैं, बहुत सारे पैसे से डील कर रहे हैं, लेकिन अगर भगवान के प्रचार के लिए आवश्यकता है तो फिर वो कितना भी यूज कर सकते, खुद के लिए आवश्यकता है तो यूज नहीं करेंगे। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर जो डोनेशन में लक्ष्मी आ रहा है उसको हम खुद के लिए उपयोग कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो दुर्गा बन जाएगा, और लक्ष्मी नहीं होगा, वो दुर्गा बन जाएगा और हमारा नुकसान कर देगा। इसलिए कोई भी दान का अगर लक्ष्मी है अगर खुद के लिए उपयोग करेंगे बिना अनुमति के तो वो क्या होता है, बहुत बहुत डेंजरस हो सकता है, है ना। क्योंकि जब हम लक्ष्मी ले रहे हैं तो साथ साथ में क्या ले रहे हैं, जो कर्म है वो भी ले रहे हैं, हम पाप भी ले रहे हैं, है ना। तो अगर हमने भगवान की सेवा में नहीं लगाया, खुद की सेवा में लगा लिया, तो वो कर्म और पाप साथ साथ में आएगा। इसीलिए ऐसा कई बार होता है कि अगर वो डोनेशन प्रॉपरली यूज़ नहीं हो रहा है, खुद के लिए हो रहा है, तो वो जो यूज करने वाला है उसका उनका पतन हो जाता है। ऐसा हिस्ट्री में कई बार हुआ है, क्यों, क्योंकि वो आपने भगवान की सेवा में नहीं लगाया, उसको लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगाया, खुद की सेवा में लगाया, और धीरे 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 क्या होता है, वो ऐसे एक्सरे की तरह धीरे धीरे जाएगा 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 और एक दिन कैंसर हो जाएगा, एक दिन फॉल डाउन हो जाएगा। वो क्यों होता है, वो इसीलिए महाराज भी ऐसा लिखते हैं कि जो आश्रम में रहने वाले भक्त हैं उनको जो आवश्यक है उतनी ही लक्ष्मी रखना चाहिए। अगर आवश्यकता से अधिक लक्ष्मी रखेंगे तो क्या होगा, एक स्वतंत्र मानसिकता आएगी, है ना, कि जब भी मुझे ज़रूरत है कुछ भी खरीद सकता हूँ, जो भी मुझे लाना है, मुझे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ भी ला सकता हूँ। तो उससे क्या होगा, वो निर्भरता चली जाएगी, वो शरणागति की भावना चली जाएगी, और जैसे शरणागति की भावना जाएगी, इंडिपेंडेंस की भावना आएगी, तो क्या होगा, बस फिर धीरे धीरे वो पतन के रास्ते पर चले जाएंगे। इसीलिए ऐसे लक्ष्मी रखना बिना पूछे या बिना आवश्यकता के, वो क्या है कि हमने दूसरा अपना सहारा, जो भगवान के सहारे को छोड़कर हमारा एक दूसरा सहारा है, वो कभी भी कुछ कमी आएगा तो वो ले लेंगे, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है आश्रम जीवन का। तो ये अर्जुन ने यहाँ तक आर्ग्यूमेंट दे दिया कि भगवान मुझे भोग करना है, त्याग करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लग रहा है सुख भी नहीं चाहिए और छोड़ देना है, नहीं छोड़ूंगा। तो फिर
अर्जुन ने फिर भगवान को प्रीचिंग करना चालू कर दिया। अर्जुन क्या बोल रहे हैं, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम अपना हम पर पाप चढ़ेगा। ऐसे आतताइयों का अगर हम वध करेंगे तो क्या होगा, पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो इसमें एक शब्द आया आतताई, एग्रेसर्स। तो छह तरह के आतताई होते हैं। कौन कौन है छह तरह के आतताई? विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो ये दुर्योधन ने सारे छह के छह फॉलो किए, है ना, शास्त्रों को एकदम पक्का फॉलो करने वाला दुर्योधन। विष देने वाला विष भी दिया, किनको दिया, भीम को दिया। घर में अग्नि लगाने वाला लाक्षस, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला युद्ध के दौरान, धन लूटने वाला द्रुत कीड़ा, दूसरे की भूमि हड़पने वाला वो इसी में सारी संपत्ति ले ली, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो सारे दुर्योधन ने एकदम पक्का फॉलोअर था वो वेदों का। तो ऐसे तो बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि ऐसे जो आतताई हैं उनको मारने में किसी भी तरह का पाप नहीं लगता है ना। तो के तो प्रभुपाद एक प्रिंसिपल यहाँ समझा रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, मतलब जो क्षत्रिय हैं, वो कभी कायर नहीं होते हैं, डरपोक नहीं होते हैं, है ना। राजऋषि बोलते हैं ना, राजऋषि मतलब राजा प्लस ऋषि, राजा है लेकिन है ऋषि, है ना। तो जो राजा है वो दंड भी देते हैं, अगर जरूरत पड़े तो दंड देंगे। जैसे प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि भगवान राम इतने, उनका जो चरित्र था इतना साधु वाला चरित्र था कि आज भी लोग राम राज्य चाहते हैं, है ना। परपट में लिख रहे हैं, लॉर्ड राम वॉज सो सेंटली दैट पीपल इवन नाउ आर एंशियस टू लिव इन द किंगडम ऑफ राम राज, है ना। लेकिन जब जरूरत पड़ने पर दंड देना था तो उसमें दंड देने से वो हिचकिचाए नहीं, रावण को दंड सिखाया, सबक सिखाया। तो उसी तरह से यस अर्जुन ये तो देख रहे हैं कि वो आतताई हैं, है ना, उनको मारने से पाप चढ़ेगा, लेकिन वो किसकी बात कर रहे हैं एक्चुअली, प्रभुपाद उसमें लिख रहे हैं, ये एक नैतिक दृष्टि से बोल रहे हैं। आतताई भी हैं तो उनको मारना नहीं चाहिए, लेकिन धर्म की दृष्टि से देखें तो आतताई को मारने में कोई भी पाप नहीं चढ़ता, वो भगवान आगे चल के बताएंगे। फिर यहाँ पर एक शब्द आ रहा है माधव, फिर से एक माधव शब्द आया। पहले माधव शब्द क्यों आया था? हाँ, अभी भी लक्ष्मीपति है, पहले भी लक्ष्मीपति था, पहले क्यों आया था? कि भाग्य की देवी साथ में, तो पांडवों के विजय का लक्ष्य। अभी माधव क्यों आया है? वो बता रहे हैं कि भगवान आप माधव हैं, भाग्य की जो देवी उनके पति हैं, तो आप मुझे अनफॉर्चुनेट चीज़ों में क्यों लगा रहे हैं, आप मुझे युद्ध करने क्यों दे रहे हैं, मतलब युद्ध करने में क्यों लगाना चाहते हैं, ऐसी जो दुर्भाग्य वाली चीज़ें हैं, मिसफॉर्चून वाली चीज़ें हैं, उसमें आप क्यों लगाना चाहते हैं। इसीलिए अर्जुन क्या बोलते हैं, इनडायरेक्टली वो माधव से संबोधित कर रहे हैं। ओके इसीलिए जो क्षत्रिय हैं अगर वो साधु स्वभाव के हो जाएंगे, साधु होते हैं अंदर से साधु होते हैं, लेकिन अगर साधु स्वभाव के हो जाए, क्षमा करने लगेंगे, तो क्या होगा, चोर लुटेरे राज्य में बढ़ जाएंगे। इसीलिए क्षत्रियों को क्या होना था है? वो दंड देना होता है। ब्राह्मण एक तरह से कभी कभी क्षमा भी कर दें, लेकिन क्षत्रियों को अगर सही प्रबंधन चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, तो पूरे ओवरऑल प्रॉपरली चलाने के लिए उनको दंड देने की भी उसका प्रावधान, जैसे कैपिटल पनिशमेंट, फांसी देना है, तो वो क्रूएलिटी दिख सकता है। जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि पहले अगर कहीं नोट गिरा हुआ है, ऐसे पैसा गिरा हुआ है और किसी ने उठा लिया, तो क्या कर देते, हाथ काट देते थे।
तभी कुछ सोच रहा इतना इतना निर्दय हाथी काट दिया वो क्यों है कि अगली बार कोई चोरी नहीं करे, कोई चोरी नहीं करे। तो क्षत्रिय है, ऋषि राजर्षि हैं, धर्म के रास्ते पर सबको ले जाएंगे, लेकिन कहीं दंड देने की बात आएगी तो उसमें किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जिससे समाज में क्या है चोर उचक्के जो लुटेरे हैं वो सक्रिय ना हो जाए। ओके, श्लोक क्रमांक 37 और 38। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में कि वो लोग गलत हैं, उनको पता है गलत, लेकिन हम तो जानते हैं ना अच्छा क्या है, तो हम क्यों युद्ध करें। लेकिन अर्जुन की भावना अच्छी है कि वो लोग नहीं जानते हैं, हम जानते हैं, इसीलिए हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन पूरा अच्छा क्या है वो अर्जुन नहीं जान पा रहा। जैसे कई बार बोलते हैं ना कि चलो उसने बोल दिया क्या है, उसे नहीं पता है, लेकिन हमें तो पता है सही क्या है, ठीक है छोड़ दिया, यही भावना अर्जुन के अंदर। तो एक तरह से भावना अच्छी है लेकिन दृष्टिकोण क्या है थोड़ा छोटा है, दृष्टिकोण क्या होना चाहिए वो बड़ा है ना। व्यक्तिगत स्तर पर देखा जाए अगर अर्जुन क्षत्रिय नहीं है, राजा की पोजिशन में नहीं है, और इस तरह से अर्जुन सोचते हैं कि मुझे ठीक है जो हुआ तो हुआ, तो वो अच्छा बात है, लेकिन जब एक पूरा राज्य है पूरा देश है उसकी दृष्टिकोण में देखते हैं तो फिर माफ़ नहीं किया जाएगा, फिर उनको मारा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर क्षत्रियों को युद्ध के लिए या जुआ खेलने के लिए ऐसे बुलाया जाए तो वो उसको मना नहीं कर सकते है ना। तो युद्ध करने के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं तो वो मना नहीं कर सकते। तो यहाँ प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिख रहे हैं 38वें नंबर, यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुता पालनीय है, अगर परिणाम अच्छा होने वाला है तो कर्तव्य पालनीय, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो उसके लिए बाध्य नहीं होते। ऑब्लिगेशन इज एक्चुअली बाइंडिंग व्हेन द इफेक्ट इज गुड, बट व्हेन द इफेक्ट इज अदरवाइज देन नो वन कैन बी बाउंड। अच्छा अच्छा सही बात है कि ऑब्लिगेशन कब है, जब उसका रिजल्ट अच्छा आने वाला है, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं, देखो इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है इसीलिए, हालांकि उन्होंने हमें बुलाया है युद्ध लड़ने के लिए, और क्षत्रियों का धर्म है अगर कोई बुलाए तो युद्ध करना चाहिए, लेकिन परिणाम अच्छा नहीं है इसीलिए हम युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि परिणाम तो अच्छा होने वाला है ना, कि युधिष्ठिर महाराज राजा बनने वाले हैं और जो दुर्योधन है वो राजा है वो यहाँ से हट जाएगा। तो अर्जुन जो है परिणाम देख रहे हैं अपनी छोटी दृष्टि से, और भगवान जो परिणाम देख रहे हैं वो बड़ी दृष्टि से, तो ये दृष्टि का फेर हो जाता है। ओके, तो ये अर्जुन का तीसरा आर्ग्यूमेंट पूरा हुआ। इसमें किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और अगले फिर बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं उसमें हम प्रवेश करेंगे 39 से। किसी का कोई प्रश्न है? यस, क्या है दंड? हाँ धन धन, हाँ तो भगवान के पर्पस के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, हाँ पर्सनल प्रॉफिट के लिए तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे कि अभी एक बार कुछ डिवोटीज के पास धन होता है लेकिन वो क्या है जो हमको हेल्प करा देना बीच में, तो उस टाइम उसको कैसे मतलब परमिशन है तो कैसे उसको? हाँ, तो प्रश्न है कि अगर धन है भगवान की सेवा के उपयोग करते हैं लेकिन हेल्थ ख़राब होता है तो पूरा एक सिस्टम है ना, अगर आश्रम में रह रहे हैं तो हेल्थ ख़राब है तो किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई है तो दवाई के लिए पैसे लेंगे, अगर हम खुद अपने पास लक्ष्मी रखे रहेंगे और मान लो बीमार नहीं है तो उस लक्ष्मी का हम दूसरी जगह भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मन है ना जहाँ पर लक्ष्मी जहाँ पर पैसा है वहाँ पर कली पुरुष हैं, तो भगवान की सेवा में लगा है तो ठीक है, अगर भगवान की सेवा में नहीं है तो वहाँ कलयुग का वास है, और कलयुग क्या है चार नियम को तोड़ने में हमें मदद करता है, इसीलिए बेटर है ना रखें। हमारे साथ कोई डिवोटी होता था बेटी के लिए, हमारे पास है हाँ उनका तो बेटी हाँ तो वो जो एक सिस्टम है ऑथोरिटी सिस्टम है, तो ऐसा तो कोई ऑथोरिटी नहीं होगा कि एकदम यूज नहीं करना है
भगवान पे निर्भर रहो, कोई पैसा यूज़ नहीं होगा, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। तो अगर आपका पैसा है एक्स्ट्रा तो आपने जो मेन जहाँ पे उसको वहाँ दे दिया, अभी जो आपके साथ भक्त बीमार है तो वहाँ से उनसे लक्ष्मी मांग लिया और खर्च कर दिया। देखिए इमरजेंसी सिचुएशन अलग है, इमरजेंसी एक्सेप्टेबल है, लेकिन इमरजेंसी जो होती है सामान्य नियम को सपोर्ट करने के लिए होती है, सामान्य नियम को तोड़ने के लिए नहीं होती इमरजेंसी। ऐसा नहीं कि इमरजेंसी के नाम पे हम सामान्य नियम भी तोड़ दें, कभी कभी एक्सेप्टेबल, लेकिन इन जनरल तो हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए उसकी बात है। और कोई प्रश्न इस ललका रहे तो मतलब तो समझ में आता है, लेकिन जुआ उसमें बताया महाभारत में फ्रेंडली, मतलब एक मित्र स्तर पे एक खेल खेल रहे हैं, लेकिन वो जो जुआ वहाँ पे हुआ वो उसका बहुत अधिक किसी दूसरे दिशा में चला गया जो शकुनी ने खेला। जनरली जो क्षत्रिय आपस में खेलते हैं तो एक फ्रेंडली मैच होता है, एक मित्र बैठे हुए आपस में खेल रहे हैं, इसीलिए मना नहीं करते। जी नहीं, आगे चल के आएगा दूसरे अध्याय का छठा श्लोक, उसमें अर्जुन बोल रहे हैं वो असमंजस के पता नहीं मैं जीतूंगा या उनकी विजय होगी, मतलब उस वो मन वैसा हो रहा है, फ्लिकरिंग हो रहा है उसका, कभी ऐसा लग रहा है कि हाँ जीत ही जाएंगे और जीत के वो मरेंगे और मुझे हमें पाप लगेगा, लेकिन कहीं वो सोचा है कि विजय होगी कि नहीं होगी, तो मन थोड़ा ऐसा फ्लिकरिंग हो रहा है। कहाँ पर कर्म कांड वाले सेक्शन, मतलब अगर हम मारे जाओगे तो स्वर्ग पर गए होगे ना, तो भोग कर लोगे। हाँ ये तो उसे काफी बाद में आता है दूसरे अध्याय के। हाँ लेकिन शरणागति लेने से पहले अर्जुन क्या बोलते हैं कि मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरी विजय होगी या उनकी जीत। किस तरह से हाँ, लेकिन निश्चित नहीं है, वो वैसी स्थिति है कि मारने से अभी तो वो कैलकुलेशन ही कर रहा है, अभी तो कैलकुलेशन ही चल रही है कि अगर मार दिया तो फिर क्या दुख क्या राज मिलेगा, मुझे राज भी नहीं चाहिए, सुख भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और कोई प्रश्न? ये राज ऋषि का हो रहा है, राज ऋषि राजा एक मैनेजमेंट में होते हैं, तो ये हम देख रहे कि किसी भक्त के द्वारा उनकी एक मिनट किसी भक्त के द्वारा अच्छे सेवा नहीं हो पा रही और वो सेवा पर रहते हैं, उसमें उसको डांटना पड़ता है कैसे कुछ, देखिए अगर बॉस की तरह डांट रहे हैं तो अच्छा नहीं, अगर पेरेंट्स की तरह डांट रहे हैं तो अच्छा है, तो हमें भावना क्या है डांटने में, और सामने वाला तो समझ जाता है भावना क्या है। अगर बॉस बन के डांटेंगे तो सेवा नहीं करेगा, अब पेरेंट्स बन के डांटेंगे तो सेवा करेगा। हाँ तो उसको सही स्पिरिट में लेते हैं ना, प्रभुपाद डांट रहे हैं तो उसको सही भावना से लेते हैं कि वो मेरे भले के लिए, अगर हमारे अंदर भले की भावना है और किसी को हम समझाते हुए डांट रहे हैं तो उसको सही भावना मिलेगा, लेकिन मुझे अपना मिथ्या अहंकार को संतुष्ट करने के लिए डांटना है तो फिर वो नहीं करेगा सेवा। लेकिन अगर कोई मिथ्या अहंकार के लिए भी डांट रहा है और सामने वाला इतना परिपक्व है, वो सोच रहा है ठीक है उसने डांटा है लेकिन मैं तो आया हूँ सेवा करने ना, तो भी मैं सेवा करूँगा। अगर मिथ्या अहंकार बस भी डांट रहा है तो क्या हो गया, करने तो मैं सेवा आया हूँ, तो उसमें क्यों मैं इतना ऑफेंस लूँ, इतना क्यों बुरा मानूँ। लेकिन उसके लिए फिर भक्ति में थोड़ा प्रगति चाहिए। ठीक है, यही प्रश्न था ना। हाँ यस, आश्रम में रहते हैं, याद है तो लक्ष्मी
आश्रम में रहते हैं तो हाँ तो आश्रम में हम रहते हैं तो जब घर जाते हैं तो कुछ लक्ष्मी लेके जाते हैं, वो तो बीच में कुछ ज़रूरत पड़े, आने जाने में ज़रूरत पड़े, कुछ ख़रीदना हो तो जनरली तो उसमें सिस्टम ऐसा है कि लक्ष्मी ले जाते हैं, जितना खर्च हुआ उतना बताते हैं, बाकी दे देते हैं, ऐसा करना चाहिए। क्या हुआ पवन को? ठीक है तो आगे बढ़ते हैं, अभी ये अगला सेक्शन आएगा, कुल का नाश, कुल वंश का नाश। तो इसमें से मैं इसमें लिख देता हूँ पहले, तो फिर समझाना आसान होगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे श्लोक क्रमांक 39। कुलच्छेये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भी भवत्युतः। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो ये यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण और हम एक आर्ग्यूमेंट है अर्जुन का कि अगर कुल में जितने भी बड़े लोग हैं, वयोवृद्ध लोग हैं, धर्म को जानने वाले हैं, अगर सबकी मृत्यु हो जाएगी कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो जो बड़े लोग हैं जो अगली पीढ़ी को समझाते हैं, सिखाते हैं, तो परंपरा क्या हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। हम देखते हैं कि किसी भी कोई फैमिली है उसमें जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको, क्योंकि अपने पूरे पूरे जीवन का अनुभव है कैसी चीज़ें टैकल की जाती हैं, क्या क्या अलग अलग संस्कार होते हैं, तो वो चीज़ें क्या होती है अगले जनरेशन को पास होती है। फिर जब अगले जनरेशन वृद्धावस्था में पहुंचती है तो वो ये जो नई पीढ़ी उसको ट्रांसफ़र करती है। तो कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन। तो कुल क्षय, कुल का क्षय कैसे हो जाएगा कि कुल के जो वृद्ध लोग हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी। अभी भीष्म पितामह हैं, उनसे बड़े भक्त, उनसे बड़े महाजन, उनसे बड़े धार्मिक व्यक्ति कौन हो सकते हैं? तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य। तो कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन, कुल परंपरा नष्ट हो गई। आजकल हम जैसे देखते हैं, गोकुल चंदू बता रहे थे कि जैसे न्यूक्लियर फैमिली है तो माता पिता, एक उदाहरण बता रहे थे एक भक्त का कि माता पिता चेन्नई में रहते हैं, पति अमेरिका में रहता है, पत्नी बेंगलोर में जॉब करती है, तो सब अलग अलग जगह रह रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि घर कैसे चलाया जाता है, बच्चों को कैसे बड़ा किया जाता है। और जब वो टेंशन आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर अलग अलग हो जाते हैं, डाइवोर्स हो जाता है। क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो परिवार में क्या करते हैं, जो कुल परंपराओं को उसको बना के रखते हैं। और ये कुल परंपराएं कैसी होती हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे महाराज इस पर कई बार जोर देते हैं कि जो फैमिली ऑक्यूपेशन होता है, जैसे कोई बड़ाई है, कोई लोहार है, कोई बिजनेसमैन है, तो वो उसको अलग से स्कूल कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने पिता के साथ में रह के सीख जाता है ना। जैसे कोई मान लीजिए कपड़े का व्यापारी है, तो कपड़े की व्यापारी के लिए उसे पहले MBA नहीं करना पड़ेगा, है ना, या उसे BSc PhD करना पड़ेगा, तब वो कपड़ा बेचेगा। वो 8 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में अपने पिता के साथ दुकान में बैठेगा और कपड़ा बेचना सीख जाएगा। तो ये ऐसी कुल परंपराएं थी, है ना। तो आजकल हम देखते हैं कि लोग खेती करना सीखते हैं तो एग्रीकल्चर कॉलेज जाते हैं पहले, हाँ यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज है, पहले एग्रीकल्चर कॉलेज जाएंगे और उसके बाद भी खेती नहीं करते, वो पढ़ाने लगते हैं। जबकि खेती कैसे होती है, अपने पिता के साथ में है, पिता कर रहे हैं, बच्चा खेल खेल में सीख गया, ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं। तो अधिकतर जो ऑक्यूपेशन थे, जो लोग सीखते थे, ये कुल परंपराओं से सीखते थे, कुल में जो ट्रेडिशन चला आ रहा है उससे वो सीखते थे। जो फॉर्मल एजुकेशन था, गुरुकुल एजुकेशन था,
वो खासकर ब्राह्मणों के लिए था कि वहाँ पर जाकर उनको शास्त्र सीखना है, और कुछ हद तक क्षत्रियों के लिए था। जो वैश्य हैं और शूद्र हैं उनके लिए तो कोई फॉर्मल एजुकेशन था ही नहीं। उनके लिए एजुकेशन क्या है, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, अपने पिता के साथ में रहो और आप सीख जाओ। तो अर्जुन प्रश्न उठा रहे हैं कि जब वृद्ध लोग चले जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, तो सिखाने वाला कौन होगा? और कोई सिखाने वाला नहीं होगा तो जो यंग जनरेशन है, जो अभी नई पीढ़ी है, वो तो अपने मन से भी कुछ भी करेगी। तो कुल धर्म सनातन धर्मे नष्ट कुलम कृष्णम अधर्मोमी भवत्युता, कि अधर्म फैल जाएगा समाज में, क्या हो जाएगा, अधर्म फैल जाएगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर अभी वर्णाश्रम धर्म को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम क्या है कि समाज को, एक संगठन को, पूरा जो सोसाइटी है उसको इस तरह से नियुक्त किया जाए जिससे सभी लोगों को भक्ति करने का एक अनुकूल वातावरण मिले। यह है वर्णाश्रम साधारण भाषा में। फिलोसफिकल लैंग्वेज अलग है, लेकिन साधारण भाषा में क्या है कि पूरा समाज इस तरह से हो कि वहाँ पर भक्ति करने का एक अनुकूल वातावरण, हर व्यक्ति भक्ति करने के लिए बहुत आसानी से कर सकता है। जैसे हम शहर में देखते हैं तो शहर में भक्ति करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप कुछ समय आप भक्तों के साथ में हो, कुछ समय मंदिर में है, जो फुल टाइम है उनकी अलग बात है ना, कुछ समय आप मंदिर में हैं, कुछ समय सेवा कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर समय तो आपको बाहर वालों के साथ डील करना पड़ता है, व्यवहार करना है, बातचीत करना है। तो कहीं ना कहीं उनकी चेतना क्या है, हमें भी प्रभावित करती रहती, वो दूषित करती रहती। तो जो वर्णाश्रम सिस्टम इसी तरह बनाया गया है कि हर व्यक्ति को अपना धर्म पालन करना है और अनुकूल वातावरण में रहकर भक्ति करना है ना। तो जब इन वृद्धों की, जो वयोवृद्ध हैं, उनकी मृत्यु हो जाएगी तो फैमिली ट्रेडिशन क्या होगा, वो समाप्त हो जाएगा। और फैमिली ट्रेडिशन समाप्त होने पर क्या होगा, जो अधर्म इरिलीजियस हैबिट्स में चले जाएंगे, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, सब जगह अधर्म फैल जाएगा। और जैसे अधर्म फैलेगा तो क्या होगा, अधर्मो भी भवात कृष्णा प्रदूषन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्षेण जायते वर्णशंकर। तो जैसे अधर्म फैलेगा तो क्या हो जाएगा, स्त्रियाँ दूषित हो जाएंगी, और स्त्रियों के दूषित होने से क्या होगा, जो संतान आएगी वो कैसी आएगी, वर्णशंकर। वर्णशंकर मतलब, इसका प्रभुपाद जी से पूछा गया, प्रभुपाद वर्णशंकर मतलब क्या है, प्रभुपाद ने बोला वर्णशंकर मतलब हिप्पी मतलब जो वर्णाश्रम में भाग ले ही नहीं सकते, जिनकी धर्म में कोई रुचि नहीं है, वो वर्णशंकर। प्रभुपाद उसको ट्रांसलेट करते हैं अनवांटेड पॉपुलेशन है ना। तो जब वर्णशंकर फैल जाएंगे समाज में तो क्या होगा, कोई धर्म को पालन नहीं करेगा, और धर्म को पालन नहीं करने से क्या होगा, नारकीय जीवन हो जाएगा। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो ये जो ऑक्यूपेशन थे है ना, ऑक्यूपेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते थे। तो प्रभुपाद जी प्रवचन में बोलते हैं कि जो वृद्ध हैं आजकल, जो वृद्ध हैं वो भी, प्रभुपाद जी अमेरिका की बात कर रहे हैं, वो भी इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, तो वो क्या जनरेशन को कल्चर सिखाएंगे है ना, उनको भी पता नहीं कि धर्म क्या अधर्म क्या है, है ना। और वो भी है ना अंतिम सांस तक घर में हैं और भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद ऐसा वो बता रहे हैं कि जो कई अमेरिका में देखा है कि जो वृद्ध लोग हैं वो कहाँ जाते हैं, नाइट क्लब जाते हैं है ना। तो ऐसी स्थिति है अमेरिका में। तो जो ऊपर की जो पोजिशन में है वही क्या हो गए हैं, करप्ट हो गए। तो अब नीचे जो संस्कार आने चाहिए वो संस्कार आने क्या हो गए, वो बंद हो गए है ना। तो इसीलिए क्या हो गया है कि आजकल हम देखते हैं कि आजकल लोगों को बहुत, जब तक जॉब नहीं लगता है तो बहुत चिंता होती है ना, बहुत चिंता में होते हैं, क्योंकि अभी जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं उसमें कोई अपराध लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि जॉब लेना मतलब शूद्र मेंटेलिटी, मतलब आप किसी के ऊपर निर्भर है ना। तो प्रभुपाद एक लेक्चर में बोलते हैं कि वो अपना रिज्यूम लेके जाते हैं है ना, हाँ, एक एक कंपनी में रिज्यूम लेके आते हैं, एक कंपनी में रिज्यूम देते हैं, बोलते हट फिर दूसरे में जाते हैं, हट तो जैसे कुत्ता जाता है एक दरवाजे पे जाता है कुत्ता, तो लोग बोलते हैं हट यहाँ से, फिर कुत्ता दूसरे दरवाजे पे जाए, उस वहाँ से हटा देंगे,
तो ऐसे बोलते गिव मी जॉब मुझे जॉब दो, मुझे जॉब दो, ऐसे ही है शूद्र मेंटेलिटी। मतलब अपने आप क्षत्रिय है, वैश्य है और ब्राह्मण है, वो तीन किसी पे निर्भर नहीं है, उनका ऑक्यूपेशन अपने आप चल रहा है ना, उनका लाइवलीहुड खुद चल रहा है, वो किसी पे निर्भर नहीं है। लेकिन आजकल क्या है, वो टेंशन चिंता, जॉब नहीं लगेगा तो क्या होगा, है ना, 25 साल हो गए, 28 साल हो गए, अभी तक जॉब नहीं लगा तो क्या करेंगे, तो क्या हो गया है वही, अधिकतर लोग क्या हो गए, कलो शूद्र संभव, शूद्र मेंटेलिटी आ गई है ना। कि इसीलिए आजकल क्या, इंडस्ट्री ज़्यादा चल रही है, तो भाई बोलते हैं इंडस्ट्री क्यों खुल रही है, जो आजकल की जो हमारी एजुकेशन है वो क्या है, शूद्र बनाने के लिए, कि व्यक्ति को इतना अधिक निर्भर बना देंगे कि उसके मन में आएगा नहीं कि मैं अपने आप भी कुछ कर सकता हूँ, है ना। जॉब नहीं लगेगा तो उसको बहुत बहुत बड़ा इशू बना लिया था, देखो उनका लड़का तो उसका वहाँ प्लेसमेंट हो गया, इसका यहाँ प्लेसमेंट हो गया, तुम तो नालायक घर में ही पड़े हुए ऐसा है, ऐसे ही बोलते हैं, है ना। मतलब वो उसको शूद्र बनाने के लिए कितना पूरा उत्साही है घर वाले कि तुमको एक बहुत अच्छा शूद्र बनना है, अगर तुम शूद्र नहीं बनोगे तो मेरी नाक कट जाएगी, सोचिए। तो ये क्यों हो रहा है, कुल धर्म है ये, कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनात, क्योंकि जो वयोवृद्ध है उनको पता नहीं कि कल्चर कैसे आ रहा है, क्योंकि समाज में पूरा माहौल ये है ना, शूद्र एजुकेशन है ना। जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शूद्र एजुकेशन जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, टेक्नोलॉजी मतलब शूद्र। द्वापर युग में टेक्नोलॉजी किसने यूज किया, मैदाना, मैदाना कौन है, राक्षसी है ना। तो जनरली जो ब्राह्मण संस्कृति है उसमें सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन और उच्च विचार, आप बहुत कम उनके ऊपर निर्भर रहोगे। लेकिन आजकल क्या है कि जो मॉडर्न गैजेट्स हैं उस पर अधिक निर्भर है, टेक्नोलॉजी के ऊपर अधिक निर्भर। तो ये प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं अपने प्रवचन में। ओके, फिर आगे इसमें हम बढ़ते हैं। अधर्मो भी भवात कृष्ण प्रदूषन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीसु दुष्टासु वासेन जायते वर्ण शंकर। तो अधर्म बढ़ने से स्त्रियां क्या हो जाती हैं, प्रदूषित हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ प्रभुपाद जी का बहुत अच्छा तात्पर्य है, पूरे तात्पर्य को हम देखेंगे। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जीवन की शांति सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है, है ना। कि अगर आपको भौतिक रूप से भी सुख शांति में रहना है, शांति समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति, इसके लिए क्या चाहिए, अच्छी जनसंख्या होना चाहिए। और अच्छी जनसंख्या कैसे आएगी, जब वर्णाश्रम के नियमों को पालन करेंगे। और अच्छी जनसंख्या किस पर निर्भर करती है, प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, वर्णाश्रम के नियम इस प्रकार बनाए गए हैं थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। अच्छी संतान मतलब धार्मिक संतान, धार्मिक संतान मतलब जो वर्णाश्रम के नियमों को पालन कर सके। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व तथा उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। सच पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन द चेस्टिटी एंड फेथफुलनेस ऑफ इट्स वुमनहुड। तो ये उपाध यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं कि जो स्त्री है, खासकर दोनों अगर हम पक्ष में देखें, अगर वर्णाश्रम को स्थापित करना है तो उसके लिए दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि जो पुरुष हैं उनको गुरु के प्रति शरणागति, धर्म की शिक्षा का पालन करना और ब्रह्मचर्य के नियम को पालन करना, ये जरूरी है। और जो स्त्री हैं उनके लिए क्या आवश्यक है, सतीत्व और फेथफुलनेस, है ना, चेस्टिटी एंड फेथफुलनेस। तो ये दो गुण होना जरूरी है। तो जब पुरुष गुरु के प्रति शरणागति और ब्रह्मचर्य इसको पालन करते हैं और जो स्त्री है वो सतीत्व को पालन करती है, तो एक आदर्श समाज का निर्माण हो सकता है। एक आदर्श ऐसा समाज का निर्माण हो सकता है जिसमें लोग आसानी से भक्ति कर पाए, है ना। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो वैदिक समाज है उसमें व्यक्ति की
वो भक्त बनेगा नहीं बनेगा, उसके लिए उसके जन्म से पहले तैयारी चालू हो जाती है ना। जन्म से पहले उसकी तैयारी चालू कर देंगे कि वो भक्त कैसी संतान आएगी, है ना। मतलब जन्म से पहले तैयारी चालू हो गई मृत्यु के लिए, है ना, कि अगला उसका जीवन कैसे होगा। तो उसके लिए क्या है, गर्भाधान संस्कार, है ना। तो वो गर्भाधान संस्कार में क्या है कि कौन सी आत्मा, है ना, आकर्षित होगी, वो धार्मिक होगी, अधार्मिक होगी, भक्त होगी, आसुरी होगी, वो किस पे निर्भर करता है, जो माता पिता हैं उनकी चेतना पे निर्भर करता है। तो हम भागवतम में ऐसे देखते हैं कि दीति और कश्यप मुनि, तो दीति कश्यप मुनि अपना संध्या वंदन कर रहे थे और ध्यान में थे, और दीति को इच्छा आती है, है ना, और दीति उस इच्छा को रोक नहीं पाती है और कश्यप मुनि के पास में जाती हैं, और कश्यप मुनि उनको बहुत समझाते भी हैं कि संध्या का समय है, इस समय शिव जी अपने पार्षदों के साथ घूमते हैं और जो भी संतान होगी वो कैसी होगी, आसुरी होगी। लेकिन दीति फिर मना नहीं करती, मतलब और उनको ऐसे फोर्स करते हैं। तो उसके बाद हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म होता है ना। तो इसीलिए एक इस्कॉन में एक भक्त भी हैं भरत चंद्र प्रभु, उन्होंने एक पूरी बुक भी उन्होंने की है गर्भधान संस्कार। तो उसमें उन्होंने काफ़ी ऐसे डिटेल में बताया है कि कौन पायस सोल, कौन पुण्यशाली आत्मा या भक्त, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं हैं जो पृथ्वी लोक पे जन्म लेना चाहते हैं और अपनी भक्ति को पूरा करना चाहते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण यह है कि गर्भधान संस्कार जो गृहस्थ भक्त हैं उनका जो संतान है वो कैसे, जिनकी भक्ति शेष रह गई है उनको एक अवसर मिले फिर से इस आंदोलन में आने के लिए और फिर अपनी भक्ति को पूर्ण करने के। तो प्रभुपाद जी ने प्रैक्टिकल जो गर्भधान संस्कार बताया कि 50-50 माला करना है, है ना, जिस दिन गर्भधान संस्कार उस दिन 50 माला, और भी उस बताया गया है कि कुछ विशेष दिन होते हैं, है ना, उन दिनों में वो संस्कार होता है। तो ये पूरा क्या है, एक है ना, वैदिक संस्कृति में 16 संस्कार है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है कि कैसी आत्मा वहाँ पर आना चाहिए। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉन लेलेन, उसने कहा है 90% ऑफ द पीपल ऑफ दिस प्लानट स्पेशली इन द वेस्ट वेयर बॉर्न आउट ऑफ ए बॉटल ऑन विस्की ऑन ए सैटरडे नाइट एंड देयर वॉज नो इंटेंट टू हैव चिल्ड्रेन। अधिकतर संतान क्यों कैसे पैदा हो रही है ना, आउट ऑफ ए बॉटल ऑफ बिस्की ऑन ए सैटरडे नाइट, मतलब कोई भी धर्म की कोई भी समझ नहीं है। तो ऐसे जब संतान पैदा होगी तो क्या होने वाला है, वर्ण शंकर आने वाला है। इसीलिए शूटिंग आप देखिए अमेरिका में स्कूल में शूट कर दिया बच्चों को, शूट 40 लोगों को मार दिया, उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या दिया है, गन दे रखी है, एक दूसरे से बनी नहीं और शूट कर दिया। ऐसे वायलेंस लोगों में वायलेंस आ रहा है, क्रोध आ रहा है बहुत तेज, और किसी को मार देते हैं, किसी की भी हत्या कर देते हैं, वो सब क्यों है, वो सब प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि बच्चे क्या हैं, वर्ण संकर। और बच्चे वर्ण संकर क्यों हैं, क्योंकि वो ऐसी चेतना में उनका जन्म हुआ है, वो चेतना क्या है, वो भोग करने की चेतना है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि जो बच्चे, ये एक यूजेनिक्स है कि कैसे अच्छी पॉपुलेशन समाज में आए। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं लोग, है ना। और ये फैक्ट है, प्रभुपाद का स्टेटमेंट बहुत ऐसा लग सकता है, कड़वा लग सकता है, लेकिन ये तो प्रभुपाद ऐसे बोलते हैं कि जो कुत्ता है वो 4 पैर पे चलता है और आदमी क्या 4 पहिए की गाड़ी पे चलता है, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है, कुछ 4 पैर पे चल रहा है और 4 पहिए की गाड़ी पे चल रहा है, दोनों बराबर। तो और कई प्रभुपाद जी के बहुत भारी भारी वाक्य हैं, उसको भी हम देखेंगे। तो आजकल तो सबसे पहले जो गर्भाधान संस्कार है उसकी कोई समझ नहीं है, है ना, कि किस तरह से अच्छी संतान आए। फिर संतान अगर आ गई है तो उसको क्या शिक्षा देना है वो समझ नहीं है। तो उनको संड और अमर के स्कूल में भेज दिया जाता है जैसे प्रहलाद महाराज को भेजा था
हिरण्यकश्यपु ने, वैसे स्कूल में वहाँ बताते तुमको सबसे आगे बढ़ना है, तुमको टॉप करना है, तुमको दुनिया मुट्ठी में कर लेना है, है ना, और तुमसे बढ़ के कोई नहीं है, दुनिया को दिखा देना है कि तुम्हें कोई कमी नहीं है, ऐसे वहाँ स्कूल में सन्न अमर के स्कूल में सिखाया जाता है। ऐसे यही सिखाते हैं, जो ऐसे मोटिवेशनल वाले होते हैं वही बोलते हैं कि सब सब कुछ तुम्हारे अंदर है, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तो तुमसे सुने क्यों फिर लेक्चर तो तुमको फीस दे के सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, जब हमारे अंदर सब कुछ है तो तुम लोग सुनने भी नहीं आएंगे। तो ऐसे संड और अमर के जो स्कूल हैं, जो स्लॉटर हाउस खुले हैं, तो प्रभुपाद एक जगह अपने सातवें स्कंद के तात्पर्य में लिखते हैं कि जो आधुनिक सभ्यता है वो इतनी आगे बढ़ गई है कि जो गर्भ में ही बच्चे को मार दिया जाता है ना, और बाई चांस अगर बच्चा बच गया गर्भ में तो उसको स्कूल छोड़ के मार दिया जाता है, उसको वहाँ स्लॉटर हाउस में भेज देते हैं और वहाँ उसको मार देते हैं, है ना। तो आज ऐसा पता चला था कि बेंगलोर में 6 महीने के बच्चे के लिए वो है बेबी सीटर, क्या बेबी सीटर, 6 महीने के बच्चों के। तो आगे चल के मतलब एक भविष्यवाणी हो सकती है कि बच्चा जब गर्भ में हो तभी स्कूल चालू हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, जैसे हमारी साइंस प्रगति कर रही है तो बच्चा जब गर्भ में है तभी उसका UKG LKG WOMKG सब और जब गर्भ से बाहर निकलेगा तो होमवर्क करके बाहर निकलेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि पिता को टाइम नहीं है, माँ को टाइम नहीं है, दोनों जॉब कर रहे हैं, अब बच्चे को कौन देखेगा, बच्चे को देखने का समय नहीं है, है ना। पिता अपने जॉब कर रहे हैं, माँ अपने जगह जॉब कर रहे हैं, और ऐसा बताते भी हैं कि बच्चा इनिशियली कई महीनों तक ऐसे उसको देखने की दृष्टि विकसित नहीं होती, इसीलिए वो क्या करता है, जो बॉडी की स्मेल होती है उसको सूंघ के पहचानता है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं और ये है, है ना। तो जैसे बच्चे जब माता पिता के साथ में नहीं है, माँ अपने जॉब कर रही है और पिता अपने जॉब कर रहे हैं, तो बच्चा कोई आया होती है, नर्स होती है उनके साथ में है, तो अधिकतर समय तो वो नर्स के साथ में है, फिर माँ के पास में आता है पिता, तो बच्चे का क्या होता है, मानसिक रूप से विकास नहीं होता। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, बहुत ऐसे मानसिक रूप से बहुत क्या होता है, इम्बैलेंस होता है उनका, वो समझ नहीं पाते अभी अभी क्या करना है, अब क्या क्या क्यों, क्योंकि वो माँ पिता की केयर में नहीं है, उनको किस में छोड़ दिया, नर्स या आया की केयर में छोड़ दिया। इसीलिए आजकल ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मानसिक समस्या क्यों बढ़ रही है, है ना, वो इसी कारण बढ़ रही है ना। और ऐसा भी एक सर्वे आया है, उसमें बताया है कि जहाँ पर जिस घर में स्त्रियाँ भौतिक रूप से कम पढ़ी लिखी हैं वो घर अधिक अच्छा चलता है, और जहाँ पर अधिक पढ़ी लिखी हैं वो घर क्या है, क्योंकि अधिक पढ़ लिख के क्या हो जाता है, वो उसका उल्टा ही प्रभाव पड़ जाता है। आज मुझे नहीं आता, मुझे भी आता, मैंने ही पढ़ रखा है, मैंने भी PhD करके रखी है, तो उससे क्या होता है, और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आना चालू हो जाते हैं, है ना। लेकिन धर्म की शिक्षा है और स्कूल की पढ़ाई इतनी नहीं है तो क्या होगा, वो घर उससे अधिक चलेगा। और ऐसा हम देखते हैं कि दोनों ने PhD कर रखे हैं और दोनों का क्या चलता है, युद्ध चलता रहता है। हाँ ऐसा है, ऐसे डिवोटीज़ के बीच में भी होता है और जो नॉन डिवोटीज़ उनके साथ में तो होते ही, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी, इनकी भी इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी, इनकी इंडिपेंडेंट, दोनों कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो जॉब तो है ही, डिग्री तो है ही, जॉब तो मिल ही जाएगा, तो किस पे निर्भर रहना, कोई निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है ना। तो वो जो गुण होना चाहिए, सहनशीलता गुण होना चाहिए, एकोमोडेट करने का गुण होना चाहिए, वो क्या हो जाता है, चला जाता है, और व्यक्ति क्या होता है, दोनों अपने अपने रास्ते पर। तो ये एजुकेशन का क्या है, दुष्प्रभाव है, है ना। गोकुल चंद बता रहे थे एक बार कि वो ऐसे बेंगलोर में प्रोग्राम करने गए तो एक छोटी सी ऐसी बच्ची थी 2 साल की, उसे बोलना भी नहीं आता, बोल भी नहीं पाते। तो गोकुल चंद ने ऐसे पूछा कि आप बड़े होके क्या बनना है, तो बोले डॉक्टर बनना है। मतलब 2 साल की लड़की, उसके मन में सभी बड़े ने इतना सब अंदर डाल दिया है कि क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, है ना। तो और हम देखते हैं कि जैसे एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आते हैं, 10th या 12th के एग्ज़ाम के रिजल्ट आते हैं, तो बहुत सारे सुसाइड न्यूज़ भी आती है, क्योंकि इतना प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर है, पास नहीं हुए तो ये हो जाएगा,
पीयर प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, मतलब जो एजुकेशन से चरित्र निर्माण होना चाहिए था, नैतिकता आनी चाहिए थी, उस एजुकेशन से क्या हो रहा है, व्यक्ति अभी सुसाइड करने के लिए आ गया है ना। तो ये खासकर और ये वेस्ट में तो ये बहुत ही ये चीज़ फैली हुई है ना, बहुत सारी सामाजिक लेवल में बहुत सारी समस्याएं। क्यों? क्योंकि हर चीज़ में वो क्या है, हर चीज़ उल्टा कर रहे हैं। जो बच्चे जन्म हो रहे हैं वो भी धर्म के अनुसार नहीं है, उनकी जो परवरिश हो रही है वो भी धर्म के अनुसार नहीं है, जो फैमिली का माहौल है वो भी नहीं है, तो फिर क्या होगा? सब टेररिस्ट जैसे बनेंगे, सब वायलेंट बनेंगे, और हिंसा होना वो तो बहुत साधारण बात है। तो इस तरह से यहाँ फिर चेस्टिटी के बारे में प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर दिया है ये इसी श्लोक के ऊपर। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अपने गृहस्थाश्रम की घटना बता रहे हैं कि 1935 और 34 की बात है, जब मैं बॉम्बे में था तो मैंने देखा कि मैं एक रोड के किनारे से जा रहा था, वहाँ पर एक भिखारी बैठा था, और उस भिखारी का चेहरा क्या था, बहुत ऐसे ख़राब हो गया था, कुछ एक्सीडेंट हुआ था तो उसका चेहरा बहुत ख़राब हो गया था। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो भी उसके साथ में बैठी थी, और उसने अपने पति को अच्छी तरह से तैयार करके ऐसे ट्रेस करके बैठाया था, और वो खुद वहाँ पर बैठे थे। तो कहने का मतलब क्या प्रभुपाद बता रहे हैं, कैसा नहीं कि पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि चेहरा पूरा ऐसे ख़राब हो गया। तो इस तरह से सतीत्व का गुण होता था, है ना। और प्रभुपाद अपने स्कूल के टाइम का बता रहे हैं कि मैं अपने मित्र के साथ घर में बैठा था, और हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो हमारे घर में जो काम करने वाली आती है, मेड आती है, तो हमसे काफ़ी दूर खड़ी थी, ऐसे 10-15 मीटर दूर खड़ी थी, अब वो काफ़ी देर वहाँ खड़ी रही, है ना। तो हम आपस में मित्र में बात करने लगे कि वो इतनी से खड़ी क्यों है, है ना। तो मेरे यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि मेरे मित्र ने बताया कि वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम यहाँ से उठ के साइड में हों तो वो यहाँ से जाएँ, मतलब हम दोनों के बीच से वो निकल के जाना नहीं चाहते। मतलब अगर मेड भी है लेकिन जो स्टैंडर्ड है, सतीत्व का स्टैंडर्ड है, वो क्या है, बहुत उच्च है, है ना। ऐसे फ्री मिक्सिंग नहीं है, है ना, फ्री मिंगलिंग नहीं है। तो यही प्रभुपाद लेक्चर में बता रहे हैं। और एक लेक्चर में बता रहे हैं और सुप्रीम चेस्टिटी के बारे में बता रहे हैं, है ना। चेस्टिटी का सबसे उन्नत स्तर रामानुजाचार्य का एग्जाम्पल बता रहे हैं कि रामानुजाचार्य अपने एक शिष्य के यहाँ जाने वाले होते हैं, तो अपने एक शिष्यों की टोली को आगे भेजते हैं कि आप देख के आओ, ये हमारे गृहस्थ भक्त हैं, उनके यहाँ सब प्रबंध है अच्छी तरह से कि नहीं है। तो वो शिष्य जाते हैं और देख के आते हैं, क्योंकि घर में तो कुछ है नहीं, खाने के लिए भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, पानी था बस। लेकिन उनके घर में जो पति पत्नी थे, रामानुजाचार्य के शिष्यों को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने स्वागत किया था कि बैठिए आप, कैसे आए हैं, क्या है, और उन्होंने जल दिया। तो जब वो वापस आते हैं रामानुजाचार्य के शिष्य, और रामानुजाचार्य को बताते हैं कि ये आपके शिष्य बहुत अच्छे हैं, इनके हम चलते हैं, तो रामानुजाचार्य उनके शिष्य आते हैं, तो उनके हस्बैंड उस समय वहाँ पर नहीं होते हैं, हस्बैंड नहीं होते, केवल जो वाइफ माता जी वो वहाँ पर होती हैं। तो ऐसा होता है कि रामानुजाचार्य जब आते हैं तो दरवाजे को नॉक करते हैं, तो दरवाज़ा लॉक नहीं था, दरवाज़ा खुला हुआ था लेकिन ऐसे बंद था, तो बार बार नॉक करते हैं तो कोई आता ही नहीं बाहर। तो वो देखते हैं कि दरवाज़ा तो खुला है, तो वो जो उनकी शिष्या थी उनके पास पहनने के लिए भी इतने कपड़े नहीं थे कि वो अपने गुरु के समक्ष आ पाए, तो वो दूसरे कक्ष में थी। तो रामानुजाचार्य समझ जाते हैं और अपना जो ऊपर का वस्त्र होता है वो उनको दे देते हैं। बहुत ही गरीब, भौतिक रूप से बहुत ही गरीब वाली स्थिति थी। तो उनकी जो पत्नी है फिर वस्त्र धारण करती हैं और रामानुजाचार्य के पास में आती हैं और बोलती हैं कि आप बैठिए और मैं आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था करती हूँ। तो उनकी पत्नी सोचती है कि अभी कहाँ से क्या लेके आए, कुछ तो घर में तो कुछ है ही नहीं। तो पास में किराने की दुकान होती है, तो किराने वाले के पास में जाती है, और उस किराने दुकान वाले के पास उस माता जी के ऊपर गलत दृष्टि थी। तो वो जो माता जी होते हैं तो बोलते हैं कि मेरे गुरु आए हैं, मुझे अपने गुरु को सर्व करना है, और उसके लिए मैं कुछ भी करूँगी, तो आप मुझे सब सामान दे दीजिए और मैं आपकी इच्छा को पूरी करूँगी। तो वो जो किराने वाला होता है वो बहुत खुश हो जाता है, है ना, कि मैं कितनी समय से सोच रहा था और ये आज खुद स्वयं मान गई। तो वो जो शिष्या होती हैं रामानुजाचार्य की, वो सारा सामान लेके आती हैं, कुकिंग करती हैं, पूरा फीस्ट करती हैं, और रामानुजाचार्य उनके शिष्य वो फीस्ट को लेते हैं। और फिर उनके पति आते हैं,
जब ये सब कुछ हो जाता है, तो उनकी पति पूछते हैं कि इतना बड़ा फीस्ट बनाया था तो ये कहाँ से आया, कैसे कैसे प्रबंध किया। तो अपने पति को थोड़ा ऐसे एकांत में ले जाती हैं और सारी बात बताती हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है और इनमें इस तरह से ले। तो उनके पति बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि गुरु की सेवा करने के लिए स्वयं को भी उन्होंने है ना अपने आप को ही ऐसे अपने आप को बेच दिया एक तरह से, है ना। तो वो उनके पति बहुत प्रसन्न होते हैं। और ये बात कहाँ तक पहुँच जाती है, धीरे धीरे रामानुजाचार्य के पास पहुँच जाती है। तो रामानुजाचार्य भी बहुत प्रसन्न होते हैं कि मेरे इतनी महान शिष्य हैं कि उन्होंने अपने गुरु की सेवा के लिए है ना सुप्रीम चेस्टिटी है ना कि इतना बड़ा बलिदान करने के लिए भी तैयार। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं कि जाओ उस ग्रॉसरी शॉप वाले को, किराने की दुकान वाले को लेके आओ, उससे मिलना चाहता। तो उसको जो माताजी होते हैं वो जाती हैं और उसको लेके आती हैं, बोलते हैं कि मेरे जो गुरु हैं आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है चलो चलते हैं। तो रामानुजाचार्य क्या करते हैं, अपना महाप्रसाद को देते हैं। और महाप्रसाद देते हैं तो जैसे ही वो लेता है, हरे कृष्णा आवाज़ नहीं, तो जैसे ही वो किराने वाला वो व्यक्ति लेता है तो उसका पूरा हृदय चेंज हो जाता है। और वो इतना उसको इतना ग्लानी होता है, इतना शर्म आती है, अपने आप को कोसता है कि इतनी महान वैष्णवी हैं और मैं कैसे दृष्टि देख रहा था और मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। तो ये प्रभुपाद इंसिडेंट बताते हैं कि ये है सुप्रीम चेस्टिटी के भगवान के लिए और गुरु के लिए अपने आप को पूरी तरह से पूरी तरह से बलिदान कर देना। अब वो चेस्टिटी का गुण कब आता है कि जब हम जो मतलब सुप्रीम चेस्टिटी कब आएगी, जब हम धर्म के स्तर पर चेस्टिटी उसको पालन करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो हमारी मॉरल स्तर पर चेस्टिटी उसको पालन नहीं करेंगे और उच्च स्तर की चेस्टिटी को पालन, हम गोपियों को इमिटेट नहीं कर सकते, है ना। गोपियाँ महान भक्त हैं, पहले हमें इस संसार में रहकर संसार के जो नियम हैं धर्म के उसको पालन करना है। और इन केस कभी ऐसी आवश्यकता पड़ती है गुरु और कृष्ण की सेवा के लिए तो फिर हमें तैयार रहना। इस इंसिडेंट से हम ये सीखते हैं। तो ऐसे महान ऐसे नल और दमयंती के बारे में बताते हैं प्रभुपाद। नल और दमयंती, तो दमयंती होती वो भी एक राजा की पुत्री होती है ना, और उनके जो पति होते हैं वो भी एक राजा होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटना होती है कि वो बहुत ही गरीब हो जाते हैं, उनके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं होते। तो जितने वस्त्र होते हैं तो आधा वस्त्र नल पहनते हैं और आधा वस्त्र दमयंती पहनती। प्रभुपाद बताते हैं कि हालांकि वो राजा की पुत्री हैं, लेकिन जब उनके पति की स्थिति आई कि राजा से वो पूरे गरीब बन गए, लेकिन उन्होंने अपने पति को छोड़ा नहीं, है ना। ऐसे हम देखते हैं कर्दम मुनियो देवहूति, तो देवहूति किन की पुत्री हैं, स्वयंभू मनु, मतलब इस पृथ्वी पर पूरे मानव समाज में सबसे जिसकी सबसे हाई पोस्ट हो सकती है स्वयंभू मनु, उनकी पुत्री एक राजा की पुत्री है, लेकिन किनके साथ रह रहे हैं, कर्दम मुनि के साथ रहे। कर्दम मुनि क्या है, जिनके पास कुटिया भी नहीं है, झोपड़ी भी नहीं है, वो बाद में उन्होंने झोपड़ी बनाई और बाद में फिर एक पूरा प्लेन बनाया जहाँ पर वो देवहूति को वो देते हैं। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं। इसीलिए ये जो गुण प्रभुपाद बोलते हैं कि 16 साल का लड़का पूरे संसार में घूम सकता है, लेकिन 16 साल की लड़की सब जगह नहीं जा सकती है ना। तो वो जो इक्वल राइट्स है ना, समान अधिकार, तो समान अधिकार हैं। तो महाराज कई बार इस पर कटाक्ष करते हैं, तो एक बार संतान जो माँ है उससे होगी, एक बार संतान पिता से होगी, क्योंकि तो दोनों को क्या है, समान अधिकार है, इक्वल राइट्स है। तो ऐसा संभव नहीं है। तो फिर यहाँ पर बताया जा रहा है, जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन सकते हैं, उसी प्रकार स्त्रियाँ भी पतोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है ना। तो यहाँ देखिए, भक्ति करने के लिए कोई वो नहीं है, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। और भगवान यहाँ बताते हैं, माम ही पार्थ विपाश्चित्ता ये पीयूषु पाप योने, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रस तेपी यान्ति पराम गति। स्त्री हैं, वैश्य हैं और शूद्र हैं, वो भी मेरी शरण में आके तेपी यान्ति पराम गति, वो भी भगवत धाम को प्राप्त करते हैं, है ना। लेकिन
प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार सबको अपना शरीर मिला। जैसे कि किसी को एक कुत्ते का शरीर मिला है उस आत्मा, तो वो कुत्ते की तरह व्यवहार करेगा। किसी को हाथी का शरीर मिला है, वो हाथी की तरह व्यवहार करेगा। इस एक आत्मा को पुरुष का शरीर मिला है, तो वो उसकी पुरुष की मानसिकता होगी, और स्त्री का शरीर मिला तो स्त्री की तरह उसकी मानसिकता होगी। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो कि स्त्री और बालक वो पथोन्मुखी हो सकते हैं, है ना। स्त्री और बालक एक समान होते हैं और वो पथोन्मुखी हो सकते हैं, इसीलिए उनका संरक्षण आवश्यक, इसीलिए उनका प्रोटेक्शन आवश्यक, है ना। क्योंकि वो भगवान के अनुसार उनको ऐसी प्रकृति दी गई है। वो प्रकृति क्यों दी गई है? जिससे वो बच्चों का लालन पालन अच्छे से कर सकें। जैसे गोकुल चंद पुरी कई बार एग्जाम्पल बताते हैं कि जब ट्रेन में वो यात्रा करते हैं, जैसे दक्षिण भारत से कभी नॉर्थ इंडिया आते हैं, तो वो देखते हैं कि बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जब बच्चे रोना चालू करते हैं तो पिता उनको अगर हाथ में ले, गोद में ले, तो दो मिनट में वो परेशान हो जाता है, वो पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, संभालते नहीं बनता। लेकिन बच्चा कितना भी रोता रहे, कुछ भी करता रहे, लेकिन माँ वो संभाल लेती है ना। क्योंकि वो क्या है, वो साइकोलॉजिकल नेचर है ना। पिता वो डांट देगा, गुस्सा हो जाएगा, मार देगा, वो कुछ कर या साइड में कर देगा, लेकिन जो माँ है वो ऐसे फ्रस्ट्रेट नहीं होगी, अरे यार क्या हो गया ऐसे कुछ। वो क्या है, क्योंकि वो गुण क्या है, एक जैसा बना है बालक की तरह, तो वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो वो गुण इसीलिए बना है क्योंकि बच्चे क्या हैं, बच्चों का मानसिक रूप से अच्छा विकास हो। जब बच्चों का अच्छी तरह से मानसिक विकास होगा तो आगे चल के, और ऐसा हम देखते भी हैं, जैसे प्रभुपाद जी के महाराज अपने बुक में लिखते हैं वुमन मास्टर मदर में, कि जो बेटा है, लड़का है, वो डीटी वर्शिप कर सकता है, लेकिन लेकिन स्त्री है वो डीटी वर्शिप नहीं कर सकती। लेकिन वही पुत्र जो डीटी वर्शिप कर रहा है, वो सुबह उठता है अपने माता के चरण स्पर्श करता है, और माता से आज्ञा लेता है, और माता से आज्ञा लेने के बाद वो डीटी वर्शिप करने आता है ना। तो ऐसा नहीं कि कुछ भेदभाव है या कुछ ऊंच नीच की है, जिसका जैसा वो नेचर है, जिसका जो स्वभाव है, उस स्वभाव में उसे रहना है। तो इसीलिए फिर प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि इसीलिए जो स्त्रियाँ हैं उनको विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी, है ना। स्त्रियाँ विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। अलग अलग रिचुअल्स से कुकिंग करना है, क्लीनिंग करना है, डेकोरेशन करना है, कुछ कपड़े बुनना है, ऐसे है ना, ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो धार्मिक अनुष्ठानों में, यज्ञों में, फेस्टिवल में मदद, अगर वो सब चीज़ें करते रहेंगे तो क्या होगा, वो आसानी से अपने जो स्वभाव को लगा पाए। अगर वो उस तरह से कार्य नहीं कर रही और दिमाग खाली है तो क्या होगा, खाली दिमाग शैतान का दिमाग, है ना। और जब शैतान का दिमाग होता है, इसी झगड़े ज़्यादा होते हैं, झगड़े भी अधिक होते हैं। जैसे ही वो खाली दिमाग हुआ तो खाली दिमाग में क्या आएगा, तो कहने का मतलब क्या, वो प्रॉपरली डायरेक्टेड है कि नहीं। ऐसे कुंती महारानी की प्रार्थना में लिखते हैं कि जो स्त्रियां हैं उनमें ऐसे कई गुण होते हैं जिससे वो भक्ति बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सरलता है, विश्वास करना है, शरणागति लेना है, ये जो गुण हैं उनमें स्वाभाविक रूप से हैं। लेकिन एक नेगेटिव साइड भी ये होता है कि अगर प्रॉपरली एंगेज नहीं है, वो प्रॉपरली धार्मिक अनुष्ठानों में नहीं है, खाली दिमाग है, तो खाली दिमाग से क्या होगा, वो लड़ाई झगड़े अधिक होते हैं, और हम देखते भी हैं। तो इसीलिए हाँ फिर बता रहे हैं, चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्री अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। तो ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। तो बुद्धिमान नहीं होती है, ऐसा क्यों बता रहे हैं, चाणक्य पंडित क्यों बोल रहे हैं, प्रभुपाद कोट कर रहे हैं। तो इसमें बता रहे हैं दो चीज़ें हैं कि जो स्वभाव होता है वो अधिकतर स्वभाव कैसा होता है, इमोशनल स्वभाव अधिक होता है। तो जो इमोशंस होते हैं वो बुद्धि को ढक देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बुद्धि नहीं है, बुद्धि तो होती है, लेकिन जो भावनाओं का जो प्रभाव आता है, तो उस भावनाओं के प्रभाव में इतना वो बह जाते हैं कि बुद्धि से फिर सोच नहीं पाते हैं कि ये सही है ये गलत है। ऐसे हम देखेंगे कि
वैदिक संस्कृति में भी ऐसे कई स्त्रियां हैं जो फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुआ है लेकिन शास्त्रों का ज्ञान है, बहुत सारे जटिलताओं को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ज्ञान होता है। लेकिन कम बुद्धिमान क्यों बताया गया है? वही जब भावनाएं आती हैं, इमोशंस आते हैं, भावनाओं का प्रभाव आता है, तो शास्त्रों की जो ज्ञान है वो धुंधला पड़ जाता है, इसीलिए उनको कम बुद्धिमान बताया गया। और दूसरा इसलिए बताया गया, अभी हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो भक्ति में नहीं है। तो एक बता रहे, स्त्री मतलब एक्सपांसन, विस्तार है ना। तो विस्तार किसका? भौतिक क्षेत्र का विस्तार। अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तई जनस्य मोहयम अहम ममेति। अतः गृह घर आ जाएगा, क्षेत्र जॉब आ जाएगा, अतः गृह क्षेत्र सुत बच्चे आप्त स्वजन, अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तई धन जनस्य मोहयम अहम ममेति। तो हम देखते हैं कि ऐसे गोकुलचंद बता रहे थे कि आजकल जैसे कोई ब्रह्मचारी थे, कुछ समय ब्रह्मचारी आश्रम में रहे, तो उनको कुकिंग करना आती थी, खिचड़ी बनाना या कुछ बेसिक अपना दाल चावल रोटी बनाना आता था। तो उनका विवाह हुआ, अभी जिनसे विवाह हुआ था वो पढ़ी लिखी थी, मतलब कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिख गई थी, तो उनको कुकिंग ही नहीं आता था, तो रोज़ खिचड़ी बनती थी घर। मतलब गृहस्थ आश्रम में गए हैं तो अभी उनको कुछ खाना है, टेस्टी कुछ खाना है, तो वो खुद ही बना रहे हैं, खुद ही खिचड़ी बना रहे हैं और दोनों खा रहे हैं। तो आजकल गृहस्थ आश्रम की भी ऐसी स्थिति क्यों हो गई है? क्योंकि वो बचपन से उसी चीज़ की दी जाती है, जैसे महाराज बोलते हैं ना MSc मास्टर इन सब्जी एंड चपाती, महाराज वो बोलते हैं ना। लेकिन दूसरी चीज़ में PhD और MSc होती। तो एक तो वो इमोशंस और दूसरा एक्सपांसन है ना, टेंडेंसी फॉर मटेरियल एन्जॉयमेंट है ना। जैसे कई बार होता है कि कोई बैचलर है और उसके पास धन भी है, वो अपने एक रूम में रह रहा है, कुछ सामान है थोड़ा बहुत, वो भी इधर उधर बिखरा हुआ है, उससे भी कुछ लेना देना नहीं है। और जैसे ही विवाह होता है तो उसकी चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं। पहले वो घर जाता है तो एक बैग में चला जाता था, अभी घर जाता है तो 3-4 बैग होते हैं उसके, 3-4 बैग धोने पड़ते हैं। क्यों? वो एक्सपांसन हो गया। अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तई जनस्य मोहय, तो विस्तार क्यों हो गया वो। लेकिन अगर उसका दूसरा साइड देखें तो आध्यात्मिक जीवन का भी विस्तार हो सकता है। अगर स्त्री भक्त हैं, चेष्ट हैं और पति और गुरु के प्रति समर्पित हैं, तो आध्यात्मिक जीवन का ही विस्तार हो सकता है ना। फिर अनट्रस्टवर्दी, अविश्वसनीय है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का श्राप है। क्या युधिष्ठिर महाराज का श्राप क्या है? कोई बात छुप नहीं सकती, और अगर बोले उनको कि ये बात किसी को मत बताना, उनको बोले कि ये बात बताने किसी को बोलना मत, तो वो और तेजी से बढ़ती है। एक बहुत पहले एक मैसेज आया था, जब स्मार्टफोन नहीं आए थे तो उसमें मैसेज आया कि अगर किसी को बात अपनी तेजी से फैलाना है तो पोस्ट कार्ड भेजें, डाक से पोस्ट कार्ड भेजें, और तेज फैलाना है तो वो कुछ टेलीग्राम या उससे कर सकता है, और तेज करना है तो फ़ोन करे, और तेज करना है तो SMS करे, और भी तेज करना है तो किसी माताजी को बता दें। अगर और भी तेज करना है तो माताजी को बता के ये बोल दे कि उनको किसी को बताना मत। तो ये सीक्रेट क्या है? ये छुपता नहीं, इसीलिए क्या हुआ, अविश्वसनीय है ना। इसीलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए, इस प्रकार उनके सतीत्व और अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्म लेंगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के लिए योग्य होंगी, जो वर्णाश्रम समाज में भाग ले सकते हैं। तो इसीलिए गुरु महाराज इस पर बहुत जोर देते हैं लॉन्ग टर्म प्रीचिंग के बारे में, है ना, कि कैसे खासकर वर्णाश्रम पर इतना जोर दे रहे हैं
क्योंकि अभी जिस समाज में हम प्रचार कर रहे हैं वो समाज पूरे के उसका ढांचा पूरा टूट चुका है। कोई 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 किसी के धर्म की समझ नहीं है, है ना, कोई पुरुष का क्या करता है, स्त्री का क्या करता है, बच्चों का क्या करता है, किसी को कोई समझ नहीं है। तो पहले समाज व्यवस्थित हो और उस समाज में रहकर फिर सब अच्छी तरह से भक्ति कर पाए। तो ऐसा लग सकता है कि वर्णाश्रम पता नहीं इम्प्रैक्टिकल है, काम करेगा नहीं करेगा, इतना कठिन में कौन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना। प्रभुपाद जी का इच्छा है 50% कार्य है, और वो 50% कार्य से बहुत लोगों को लाभ होगा। वो ऐसा लग सकता है कि उसको उसको स्थापित करने में, उसको आगे बढ़ाने में बहुत मुश्किलें आ रही है, लेकिन जो स्ट्रगल कर रहा है, जो उसको आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा है, भगवान उसको क्रेडिट देंगे, भगवान उसको प्रशंसा करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म आने वाली जनरेशन के लिए बहुत फायदेमंद होगा। जैसे हम देखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रचार करना चालू किया तो बहुत कम लोग जुड़े, बुक्स लिख के गए वो, फिर भक्ति सिद्धांत से ठाकुर ने प्रचार किया तो और लोग जुड़े, प्रभुपाद जी ने किया तो और। तो किसी भी चीज़ को बनने में थोड़ा टाइम लगता है, उसी तरह से जो वर्णाश्रम है उसको भी बनने में हो सकता है 2 जनरेशन 3 जनरेशन 4 जनरेशन ऐसा लगे, लेकिन जो जो बनेगा वो एकदम क्या बनेगा, एकदम सॉलिड बनेगा, उससे एक एक सॉलिड प्रचार होगा। तो इसीलिए हमें एक दूरदृष्टि को देखते हुए प्रचार करना चाहिए। और महाराज आजकल इस पर बहुत ऐसे लेक्चर देते हैं संस्कृति के ऊपर कि कैसे रहना है, किसका क्या धर्म है, तो इस पर क्यों, क्योंकि पहले तो हम मनुष्य तो बने तब तो हम भक्ति करेंगे, पशु समाज में रहते हुए या पशु की तरह रहते हुए कैसे भक्ति कर पाएंगे। एक श्लोक और लेंगे उसके बाद हम फिर समाप्त करेंगे। संकरो नरकायेव कुलघान कुलस्य च पतन्ति पितरो हि एषां लुप्त पिण्डो दकक्रिय। तो जब वर्ण संकर संतान उत्पन्न हुए तो क्या हुआ, नारकीय जीवन हो गया, और जब नारकीय जीवन हुआ तो लोगों ने सभी तरह के जो भी अनुष्ठान बंद कर दिए। तो इसमें एक उदाहरण दे रहे हैं लुप्त पिंडो दकक्रिया, कि पितर लोग हैं उनको पिंडदान देना बंद कर दिया। पिंडदान दिया जाता है जैसे अभी पितृपक्ष आने वाला है 15 दिन का, तो पिंडदान में ऐसा बताया जाता है कि कोई पितरी है, कोई पूर्वज है, तो उसमें एक नरक बताया गया है कि एक नरक में होते हैं और उसका उसका जो भूमि होती है वो बहुत जलती है, तो उस पर चलवाया जाता है, और ऊपर सूर्य होता है बहुत जो तेज़ होता है, उससे एकदम पसीना आता है, है ना। तो जब हम कुछ अर्पण करते हैं पितरों को, मंत्र के रूप में अर्पण करते हैं, कभी कभी ऐसा गोकुल चंद साउथ इंडिया का बता रहे थे कि पादुका अर्पण की जाती है, अम्ब्रेला अर्पण किया जाता है, खाने का अर्पण किया जाता है, पानी अर्पण किया जाता है। क्यों किया जाता है, कि वो उस पर जो चल रहे हैं वो उनको जो भूख लग रही है, प्यास लग रही है, पैर उसमें जल रहे हैं, सूर्य की ताप आ रहा है, तो उससे वो बचे रहे, है ना। तो ये सब जो अनुष्ठान है ये पिंडदान किया जाता है, इसलिए गृहस्थ भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी इसका दूसरा परिप्रेक्ष्य बता रहे हैं कि अगर जो भक्त हैं, जो भक्ति में आ गए हैं, उनको फिर अलग से पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। देवर्षि भूता नृणाम पितृणाम ना किंकरोयम ना ऋणीचा राजन सर्वात्माया शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्त कर। कि जिन्होंने मुकुंद के चरणों की शरण ग्रहण कर ली है वो सभी तरह के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। 5-6 तरह के ऋण होते हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं। वो 6 तरह के ऋण हैं उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो फिर भक्तों करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन क्योंकि गृहस्थ भक्त हैं, वो एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर दूसरे, हो सकता वो समझ गए हों, उनके परिवार के अन्य लोग उस कस्टम को फॉलो करते हों, तो कभी कभी करना पड़ता है। तो उसमें वैष्णव विधि क्या है कि जो भी पूर्वज हैं उनका जो पिक्चर है उसको हम रख सकते हैं। भोग बनाया है तो भगवान विष्णु का अर्पण किया, वो जो प्रसाद बना उनके पूर्वज जो है उनके सामने रखा, और जो भी प्रसाद बना है फीस्ट किया और भक्तों को बुलाया, कीर्तन किया, तो श्राद्ध पूरा हो गया। श्राद्ध के लिए हमें हरिद्वार, इलाहाबाद, अलग अलग जगह जाके पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं है। फिर लोग बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु श्राद्ध करने गया, तो चैतन्य महाप्रभु क्योंकि जिस सोसाइटी में रह रहे थे उसका एक सोशल कस्टम था, उसको फॉलो करते हुए चैतन्य महाप्रभु गया गए। लेकिन आंतरिक रूप से तो चैतन्य महाप्रभु अपने जो गुरु थे ईश्वरपुरी उनसे मिलने गए थे। बाह्य तौर से इसीलिए गए थे क्योंकि एक सोशल कस्टम है उसको फॉलो करना, लेकिन आंतरिक रूप से किसी लिए गए हैं क्योंकि ईश्वरपुरी से मिलकर उनकी दीक्षा होना। तो इसीलिए हाँ
हाँ, इसलिए भक्तों को अलग से श्राद्ध या पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो भक्ति में नहीं है उनके जीवन में क्या होगा, वर्ण संकर आएंगे और कोई भी प्रथा को फॉलो नहीं करेंगे, कोई भी ना श्राद्ध करेंगे ना कोई संस्कार करेंगे। उससे क्या होगा, उनके जो पितृ लोग हैं वो नरक में ही रहेंगे, वो स्वर्गवासी नहीं होंगे, वो नरकवासी होंगे। और अधिकतर लोगों के साथ यही है। एक ये और पढ़ लेते हैं, 42वां, दोषे रहते कुल ज्ञाना वर्ण संकार कार्य कर उत्साह अंत जाति धर्मा कुल धर्मा से शाश्वत। तो जब कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, कोई किसी तरह का अनुष्ठान नहीं कर रहा, तो क्या होगा, उत्साह अंत जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वत, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाएंगे, है ना। जाति धर्म कुल धर्म सभी तरह के इसमें समाप्त हो जाएंगे। ओके, तो इतना मतलब समाज कैसा हो जाएगा, पॉलिश्ड एनिमल सिविलाइजेशन, प्रभुपाद बोलते हैं रॉयल एडिशन ऑफ एनिमल्स। तो कितना महत्वपूर्ण है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो परिवार में रहें, समाज में रहें, और वो भी धर्म की शिक्षाओं को जानते हों और उसको दूसरे जनरेशन को पास करें और सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है उसको देखना। तो अर्जुन का जो कंसर्न है वो कितना महत्वपूर्ण है। अर्जुन बहुत ऐसे विम्सिकली कुछ नहीं बोल रहा है, अर्जुन बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं कि जो वयोवृद्ध के चले जाने से वो कुल नाश हो जाएगा, है ना। तो उसके आगे हम देखेंगे, भगवान समझाते हैं कि अगर दुर्योधन राजा बनेगा तो कुल का नाश होने वाला है, अगर युधिष्ठिर महाराज राजा बनेंगे तो कुल अच्छी तरह चलने वाला है। तो अर्जुन सोच तो सही रहे हैं, लेकिन फिर वही अर्जुन की दृष्टि क्या है, थोड़ी छोटी। अगर बड़ी दृष्टि देखें, भगवान की दृष्टि से देखें, तो क्या होगा, दुर्योधन के राजा बनने से ऐसा लग रहा है कि सब जीवित हैं, लेकिन जब दुर्योधन आएगा तो उसकी सब पॉलिसी जाएंगी और समाज क्या हो जाएगा, पूरा दूषित हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग अभी मारे जाने वाले हैं और फिर युधिष्ठिर महाराज राजा बनेंगे, तो ओवरऑल समाज में ये जाति धर्म और कुल धर्म की स्थापना होगी। तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे, अभी अध्याय एक पूरा नहीं हो पाया, लेकिन जितना एग्ज़ाम के लिए लिखना है वो तो पूरा हो गया है, 1, 2, 3, 4 श्लोक बचे हुए हैं, वो अगले ट्यूसडे को उसको 4 श्लोक को पूरा करेंगे। हरे कृष्णा। अभी इससे कोई प्रश्न है, ये कुल धर्म नष्ट, उसमें आपने बताया था कि ब्राह्मण पर क्षत्रिय कुल में जाते हैं, हाँ प्रश्न है कि जो ब्राह्मण है या जो क्षत्रिय हैं, ब्राह्मणों को अधिकतर एजुकेशन मिलती है, क्षत्रियों को और कम मात्रा में मिलती है, लेकिन एक्चुअली ये तीनों द्विज कहलाते हैं। जो बेसिक शालिग्राम शिला वर्शिप करना है और शालिग्राम शिला के लिए जो यज्ञोपवीत चाहिए है, जनेऊ चाहिए है, वो प्रदान किया जाता है, वैश्यों को भी प्रदान किया जाता है। नहीं, गुरुकुल मतलब ऐसा मत समझिए कि फॉर्मल एजुकेशन, कुछ स्तर का उनका एजुकेशन होगा जिसमें उनको मंत्र दिए जाएंगे और मंत्र के माध्यम से वो शालिग्राम की वर्शिप करें। स्त्रियों के डीटी वर्शिप ना करने के मेन रीज़न कौन कौन से, ये मुझे भी डिटेल में देखना पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक पता है जो गायत्री मंत्र होता है, तो गायत्री मंत्र स्त्रियाँ वो उसका जाप नहीं कर सकते हैं, है ना, और गायत्री मंत्र की आवश्यकता होती है डीटी वर्शिप करने में, इसीलिए वो डीटी वर्शिप नहीं करते। उसमें वो सहायता कर सकते हैं, कुकिंग में सहायता कर सकते हैं, क्लीनिंग में कर सकते हैं, ड्रेस बनाने में कर सकते हैं, तुलसी मनाने की सेवा कर सकते हैं, लेकिन डीटीज की सेवा नहीं कर सकते। और डिटेल में मैं ढूंढूंगा। और कोई प्रश्न, यान को मनीष को जैसे आपने वो गर्भदान संस्कार के बारे में बताया, तो उसमें वो आत्मा आकर्षित करती है, हाँ, वो तो पहले से निश्चित रहता ना कि जिसका जिसका कर्म रहता है उस परिवार में जन्म लेता है। हाँ, अच्छा प्रश्न है। तो गर्भाधान संस्कार में चेतना के अनुसार आत्मा आकर्षित होती है, लेकिन हम ऐसा भी सुनते हैं कर्मणा देव नेत्रेण, जिसका जैसा कर्म फल होता है उसको वैसा जन्म मिलता है।
तो इसका समन्वय ऐसा है कि जो पुण्यशाली आत्मा है, जो भक्त आत्मा है, उसको किसी घर में जन्म लेना है। तो जब उस घर में जो माता पिता के द्वारा सही चेतना और सही वातावरण है, तो भगवान उस आत्मा को उस घर में भेजते हैं। फिक्स मतलब ऐसा नहीं कि जगह भी फिक्स हो गई, जिस तरह से जहाँ पर पुण्य पाप और जो आध्यात्मिक चेतना है उसके अनुसार उस आत्मा को वहाँ भेजा जाता है। तो कोई गर्भाधान संस्कार पालन कर रहे हैं तो भगवान उस पुण्यशाली आत्मा को, भक्त आत्मा को उस घर में भेजेंगे। फिक्स है, फिक्स क्या है कि उसके जितने पुण्य हैं, भक्ति है, उसके अनुसार उसको जन्म मिलेगा। अभी कहाँ मिलेगा वो भगवान डिसाइड करेंगे। इस तरह से पेरेंट्स फिक्स नहीं है। हाँ फिक्स नहीं है, पेरेंट्स फिक्स नहीं है। हाँ पेरेंट्स फिक्स नहीं है, चेतना चेतना पर डिपेंड करता है। वो देवी देवताओं के कर्मणा देव नेत्र जंतुर्देहो स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसा रेत कणाश्रय, कि कर्मणा देव नेत्र देवी देवताओं के संरक्षण में ये पूरा कार्य होता है कि पुरुष के शरीर से फिर स्त्री के गर्भ में वो आत्मा प्रवेश करती है। और कोई प्रश्न उधर त्रिलोक मटेरियल इंटेलिजेंस की बात नहीं हो रही है, क्योंकि मटेरियल हम देखते हैं कि वुमेन बहुत अलग अलग फील्ड में इक्वल टू मैन होते हैं। हाँ, कई कई बार। हाँ तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस फिलोसॉफिकल माइंड उसकी बात हो रही है कि मटेरियल इंटेलिजेंस नहीं, ये बात हो रही है कि लेस इंटेलिजेंट मतलब एक तो कवर हो जाती है इंटेलिजेंस। हाँ वो इमोशंस की वजह से। और दूसरा क्या बताया था उसमें, एक्सपांशन का बताया था। हाँ एक्सपांशन नहीं, वो एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल, ऐसे कुंती महारानी बोलती है ना, तथा परम हंसाना मुनिनाम अमलात्मनम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्चिम स्त्रिय, कि जो लोग आत्मा जड़ वस्तु इसमें भेद करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा विश्लेषण करना ये बुद्धि थोड़ी कम होती है, लेकिन जो सिंपल डिवोशन है वो अधिक होता है। तो वो जो बहुत ज़्यादा विश्लेषणात्मक एनालिसिस करना चीज़ों का उस वो थोड़ा कम होता है। वो जो मटेरियल एंजॉयमेंट का एक्सपांड करना वो किस परिप्रेक्ष्य में होता है? इसी में। हाँ लेस इंटेलिजेंट मतलब वो भौतिक एक्सपांसन करना, मतलब एंजॉयमेंट का एक्सपांसन करना, इसीलिए कम इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंस है कि मटेरियल एंजॉयमेंट हाँ नहीं लेना है। Yes, yes. और दूसरा एक प्रश्न है कि अभी जैसे हम लोग जो आश्रम की रोटी हैं तो और भी बुक्स पढ़ रहे हैं, जैसे हमारा कुछ पर्सनल रीडिंग अलग चल रहा है, तो ज़्यादा फोकस किस पे कर रहे हैं? हमारे अब जो कोर्स चल रहा है उस पे कि उन बुक्स पे? पहले तो हमें भगवत गीता कोर्स पे फोकस करना चाहिए। अभी एक बार हम पढ़ लेंगे 2-3 महीने के लिए तो जीवन भर के लिए वो अच्छा होगा। अभी हम साथ में पैरेलली कुछ पढ़ेंगे तो वो भी अच्छे नहीं पढ़ पाएंगे, ये भी नहीं पढ़ पाएंगे। जब ये कोर्स पूरा हो जाएगा फिर कोर्स पढ़ेंगे हम, ऐसा होता है जनरली। जिस समय जो चीज़ होती है उस समय वो नहीं करते हम, जिस समय तो कोई दूसरा चल रहा होता है तब पीछे ही करते हैं, पीछे चल रहा होता आगे ही करते हैं। तो बेटर है कि अभी कोर्स पे फोकस करें। हाँ कि यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि सब पूरी परंपरा नष्ट हो जाएगी, तो युद्ध तो पहले भी होते थे, बहुत बार युद्ध हो रहे हैं, हर बार तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, वृद्ध नष्ट हो जाएगी। अर्जुन बुद्धिमान है ना, अर्जुन सब उसको विश्लेषण कर पा रहे हैं, मतलब इरिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो देख रहे हैं तो पाप लगेगा, कुल की परंपराएं नष्ट होंगी, मैं कि भाई मेरे भोग के लिए इतने सारे लोगों को मारा जाए, तो विश्लेषण कर पा रहे हैं, लेकिन उनका विश्लेषण भगवान की इंटेलिजेंस के सामने छोटा रह गया। तो एक तरह से अर्जुन बहुत नोबल व्यक्ति हैं, बहुत सभ्य हैं, कि इतना वो सोच पा रहे हैं लेकिन पूरा दृष्टिकोण से नहीं सोच पा रहे। जो मैं सोच रहा था हाँ कि ये सही है कि गलत है, कि क्योंकि इस युद्ध में सभी पूरे विश्व के लोग हाँ ये भी हैं और सभी वृद्ध शामिल हैं, अगर मर गए तो फिर और कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है, इसलिए ये स्पेशल और इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। बाकी युद्ध में भी है लेकिन बाकी युद्ध में इतने बड़े स्तर पर नहीं होगा, ये भी एक पॉइंट है कि सभी जगह के भाई वृद्ध लोग वहाँ पर आए। और दूसरी तरफ अर्जुन भी है, अगर बड़ा युद्ध भी हो लेकिन अर्जुन जैसे लोग नहीं हैं तो इतना सोचेंगे भी नहीं। हाँ।
और कोई में उनको माइक की जरूरत नहीं होती, वैसे बोलते हैं जब वो प्रभुपाद को सैन फ्रांसिस्को ले जाता है तो उनका तबीयत बिगड़ता है, तो उधर एक सन्यासी नाम बोल रहा हूँ, तो वो उनको बार बार माता जी को बोलते है कि स्त्री तो मतलब बुद्धि कम होती है, तो वो बाद में प्रभुपाद को ऐसे बताते, तो प्रभुपाद उधर बोलते आप अगर उस चेतना में रहोगे कि मैं स्त्री हूँ तो ये क्या होगा, वो क्या होगा, तो ये तो मतलब उन लोग को कैसे मतलब सोचना चाहिए कि अगर आप इस चेतना में शारीरिक चेतना में रहेंगे तो ये लागू होगा, लेकिन आप आत्मा के स्तर पर रहेंगे तो ये लागू होगा। हाँ, इसीलिए मैंने बताया ना बीच में कि ये हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, अगर भक्त में ये पीसु पाप योनि स्त्री शुद्ध तथा स्त्री वैश्य तथा शूद्रस, तो भक्ति के जीवन में आ गए तो फिर हम इस तरह से नहीं देखेंगे कि ज़्यादा इंटेलिजेंस है कम इंटेलिजेंस है। अल्टीमेटली इंटेलिजेंस से ऊपर की चीज़ क्या है, आत्मा, और आत्मा का कार्य क्या है, डिवोशन। तो ऐसा हो सकता है कि आपको एनालिसिस करना बहुत आता हो लेकिन डिवोशन आपका कम हो, और किसी को इतना एनालिसिस करना नहीं आता है लेकिन उनका डिवोशन अधिक हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली तो इसीलिए वो बुद्धि के ऊपर भी भक्ति निर्भर नहीं करती, बुद्धि से हम समझ तो सकते हैं लेकिन भक्ति तो वो आत्मा का ही कार्य है, तो इसीलिए हमें अपने समाज में से भेदभाव नहीं करना चाहिए। और किन्हीं का प्रश्न, बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो गुरुकुल थे वो नष्ट कर दिए गए, मतलब खत्म कर दिए, तो किसी को धर्म के बारे में जानना कोई नहीं जानता, तो अभी जो जैसे वर्णाश्रम धर्म इसको जो हम स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें क्या ये सब वो कैसा गुरुकुल स्थापित होंगे, तो वो गुरुकुल में कैसे वो सकाम कर्म वगैरह वो सब नहीं, वो दैवी वर्णाश्रम है, वो वैदिक वर्णाश्रम नहीं, दैवी वर्णाश्रम मतलब उसका जो गोल है क्लियर कट विष्णु सेवा कृष्ण सेवा, जो वर्णाश्रम वैदिक वर्णाश्रम है उसमें कर्मकांड भी होता है, देवी देवताओं की पूजा भी होती है, यज्ञ भी होते हैं, लेकिन यह है दैवी वर्णाश्रम, इसमें क्लियर कट है ना कृष्ण और विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य हो रहा है। और मुगल ने तो कम किया था, ब्रिटिशर्स ने गुरुकुल पूरा एजुकेशन अधिक चेंज किया था। और कोई प्रश्न, हरे कृष्ण।